हरे कृष्णा। तो आज श्रीपति सामरित के कक्षा के लास्ट दिन में आप सबों का स्वागत है। आज 11th डे है और 10th एंड 11th वर्स बचे हैं, तो हम लोग उसके ऊपर चर्चा करेंगे, श्लोक 10 और 11 के ऊपर आज। उसके पहले एज यूजुअल प्रार्थना कर लेते हैं सद गोस्वामी प्रभु को। नाना शास्त्र विचार कल्पनो सद्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मन्यो शरण्याकरो राधा कृष्ण पदारविन्द भजना नन्देन मत्तालिको वन्दे रूप सनातन रघुयुगो श्री जीव गोपालको। रूप गोस्वामी की जय। सद गोस्वामी प्रभु की जय। ओम ज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाशादेशतारिणे वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो जैसा कि हमने पहले दिन में डिस्कस किया था कि कैसे जो उपदेशामृत है हमको सेंस कंट्रोल से लेकर के राधा कुंड तक पहुंचाती है, तो ये जो लास्ट के दो जो श्लोक है वो राधा कुंड और भाव और प्रेम, अगर हम उस लैडर की बात करें तो भाव और प्रेम के स्तर पे है वो श्लोक है। तो इस पर ज़्यादा कुछ तो नहीं बोल पाएंगे, बट जो भी है तो थोड़ा वो डिस्कस करेंगे। श्लोक भी कर लेते हैं पहले, श्लोक कर लेते हैं पहले, एक एक करके श्लोक आज 11 समाप्ति कर लेंगे, ठीक है। बुक है आपके पास, सबके पास बुक खोल लीजिए, क्योंकि साथ में थोड़ा पढ़ते हैं तो अच्छा रहेगा। मोबाइल में भी देख सकते हैं सब। श्लोक एक से शुरू करते हैं। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विसहेत धीर सर्वमपि माम पृथ्वी सशिष्य अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगस्य लौल्यंश सद्भिर्भक्तिर्विनश्यति उत्साह निश्चया धैर्या तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सतो वृत्ते सद्भिर्भक्तिर् प्रसीदति ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम् आख्याति प्रेक्षति भुञ्जते भुञ्जते चैव सद्भिर्प्रीति लक्षणम् कृष्णेति यस्य गिरितं मनसान्द्रियेथ दीक्षेत चेत प्रणतिभिश्च भजन्त्यमीशाम् शुश्रूषया भजन विघ्नम् अनन्य मन्य निन्दादि शून्य हिदमिप्सति संग लब्धा दृष्टे स्वभाव जनितै वपुषस्य दोषे न प्राकृतम् भक्त जनस्य पश्ये गंगां भसाम न खलु बुद्बुदफेन पंखे ब्रह्माद्रवत् अपगच्छति नीरधर्मे सत्कृष्ण नाम चरितादि सिताप्त विद्या पीतोपतस्य रशनस्य नरोचकानु किन्तु वादरात् अनुदिनं खलु दैव ज्येष्ठा स्वाधिक्रमात् भवति तद्गत मूलहंत्री तम नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रशनामनशी नियोज्य तिष्ठन् व्रजेन तदनुराग जनानुगामी कालम नियेत अखिलम इति उपदेश सारम वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोस्तवा वृंदारण्य मुदार पानि रमना तत्रापि गोवर्धना
राधा कुंज मह पि गोकुलपते प्रेमामृता प्लावना कुर्यात्यस्य विराजत गिरितटे सेवां विवेकिन कर्मेभ्य परतो हरे प्रियतया व्यक्तिं यजुज्ञानिना तेभ्य ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा प्रेमा एक निष्ठा तथा तेभ्य तापसुपाल पंकजदृश ताभ्य अपि सराधिका प्रेष्ठा तदीय तदीय सरसी न आश्रयत कः कृति कृष्णस्य उच्च प्रणय वसति प्रेस भी सर अपि सराधा कुंडम च अस्य मुनिभि अभिततादिक एव वधाई यत् पृष्ठे अपि अलम असुलभम किं पुनः भक्ति भाजा तत प्रेम इदम सकृत अपि सर स्नातु आविष्करोति हरे कृष्ण. So difficult slok. So we complete here. It is so all 11 slokas. ठीक है तो हम लोग चर्चा कर लेते हैं लास्ट में वैष्णव संघ आएंगे कुछ चलेंगे ठीक है लास्ट में कर ठीक है. तो आज हम लोग चर्चा करेंगे एनवाई वर्स 10 नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन वर्स 10. तो पिछले क्लास में हमने देखा था कि कैसे हायरार्की है धाम में. हमने कहां से शुरू किया था वैकुंठ से चल करके हम लोग राधा कुंड तक आए थे. वैकुंठ से श्रेष्ठ क्या उन्हें मथुरा. वैकुंठ से श्रेष्ठ कौन है मथुरा. क्यों दोनों में तो ऐश्वर्य भाई है तो श्रेष्ठ क्यों है क्योंकि मथुरा में कृष्ण का जन्म हुआ है बेसिक. मथुरा से श्रेष्ठ कौन है वृंदावन. क्यों क्योंकि भगवान वहां पे बहुत से पास टाइम 12 वन है वहां पे बहुत से पास टाइम किए हैं. वहां से भी श्रेष्ठ कौन है गोवर्धन क्योंकि वहां पे कृष्ण अलग अलग एक ऐसा जब गोवर्धन उठाते हैं तो सारे रसों का आदान प्रदान जो पांच मुख्य रस हैं उनका आदान प्रदान एक साथ कर पाते हैं सभी के साथ. और उसमें भी राधा कुंड श्रेष्ठ है क्योंकि वो जो राधा कुंड है राधा रानी का लिक्विड प्रेम है तरल अवस्था में जो प्रेम है राधा रानी का इसलिए हमने देखा था. तो जिस प्रकार से धाम का हायरार्की है उसी प्रकार से हम देखने वाले हैं कि हायरार्की इन डिवोटीज ऑल्सो. आज हम लोग देखने वाले हैं अब इसको हिंदी में है ना क्यों क्या बोलते हैं जो भी है पदानुक्रम हायरार्की इन डिवोटीज ठीक है. तो ये उसको एक लाइन में आप क्या बोल सकते हैं एक वर्ड में हिंदी इंग्लिश का क्या वर्ड है एग्जैक्टली पाथ ऑफ भक्ति यू कैन कॉल इट या प्रोग्रेस ऑफ भक्ति. कैसे प्रोग्रेस ऑफ भक्ति के बारे में आप देख सकते हैं. तो इस श्लोक का पहले मीनिंग पढ़ लेते हैं जो 10वां श्लोक है ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा इसमें क्या बता रहे हैं कि शास्त्रों का कथन है सभी प्रकार के सकाम कर्मियों में परमेश्वर हरि उस पर विशेष कृपा करते हैं जो जीवन के उच्चतर मूल्यों संबंधी ज्ञान में उन्नत होता है. तो यहाँ पर सकामी और ज्ञानी की बात आ गई. ऐसे ज्ञान में उन्नत अनेक लोग ज्ञानियों में से जो अपने ज्ञान के बल पर व्यवहारिक रूप से मुक्त हो जाता है वो भक्ति ग्रहण कर सकता है. तो कहाँ से आ गया कर्मी ज्ञानी भक्ता यहाँ तक आ चुके हैं और भक्ति ग्रहण कर सकता है. ऐसा व्यक्ति अन्यों से श्रेष्ठ है किंतु जिसने कृष्ण का शुद्ध प्रेम वास्तव में प्राप्त कर लिया है वो उससे भी श्रेष्ठ है. गोपियां समस्त उच्चतर भक्तों से उत्कृष्ट हैं क्योंकि वे दिव्य गोपाल कृष्ण पर सदैव आश्रित रहती हैं. गोपियों में से श्रीमती राधा रानी कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय है. उनका कुंड कृष्ण को उसी प्रकार अत्यधिक प्रिय है जिस तरह गोपियों में सर्वाधिक प्रिय यह राधा रानी. तो ऐसा कौन होगा जो राधा कुंड में नहीं रहना चाहेगा पर उल्लासमय भक्ति भाव से पूरित आध्यात्मिक शरीर द्वारा श्री राधा गोविंद के दिव्य युगल जो नित्य ही अपनी अष्टकालीय लीला संपन्न करते हैं उनकी प्रेमामयी सेवा करना नहीं चाहेगा. निसंदेह जो लोग राधा कुंड के तट पर भक्ति करते हैं ब्रह्मांड में सर्वाधिक भाग्यशाली व्यक्ति हैं. इस प्रकार से रूप गोस्वामी जी श्लोक को बताते हैं प्रभुपाद जी इसका ट्रांसलेशन करते हैं राइट.
तो क्या कहते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे रूप गोस्वामी ने जो कहा है, तो प्रोग्रेस ऑफ भक्ति बताया है, तो कहाँ से शुरू किया है, सकाम कर्मियों या कर्मियों से शुरू किया। और हमने देखा कि भगवद्गीता में प्रभु जी ने कितनी बार इस चीज़ को बताया है, अलग अलग एंगल से, अलग अलग चैप्टर में प्रभु जी ने इसको इंक्लूड करके सिखाया है हम सबको। तो यहाँ पर जो है शुरुआत एक्चुअली रूप गोस्वामी कहाँ से करते हैं, कर्मियों से करते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी जब ट्रांसलेशन अगर परपट आप पढ़ेंगे तो देखेंगे वो कर्मियों के एक स्टेज और पहले जाते हैं। और किस पे वो किसके बारे में चर्चा करना चालू करते हैं, तो वो शुरुआत करते हैं विकर्मियों से, जो जो कि क्या है, जो शास्त्र बिल्कुल ही पालन नहीं करते हैं। तो हम लोग आज जो यहाँ पर टेम देखने वाले हैं, तो प्रभुपाद जी के परपट के अनुसार से हम जो देख रहे हैं, तो पहला जो हमें चर्चा करेंगे वो करेंगे विकर्मी। और विकर्मी के बारे में करेंगे, फिर हम लोग बात करेंगे कर्मीज के बारे में, फिर किसके बारे में आएंगे, ज्ञानी। ज्ञानी ज्ञानी को जीते हैं, जे लिखते हैं, जे जे एन ए जे एन वाई ज्ञानी क्या प्रभु जी लिखते हैं, ठीक है जो भी हो आप समझ लीजिए ये ज्ञानी है, हिंदी में लिख देता हूँ हिंदी, ठीक है। और अगला कौन है, भक्त। भक्त एंड देन भक्तों में विशिष्ट कौन है, गोपियां, गोपी, एंड उनसे विशिष्ट कौन है, राधा, श्रीमती राधा नंदन। तो सॉफ्टवेयर लिख देते हैं, आई होप ऑथेंटिक नहीं है। और एक एक करके हम लोग इन इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो एक्चुअली रूपों को सभी विकर्मी इसके बारे में नहीं बताते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी इनके बारे में चर्चा करते हैं, राइट। तो आपको ब्लॉग डायग्राम भी बाद में मिल जाएगा, बट अभी यहाँ से सोचे कि विकर्मी जो होते हैं वो क्या रहते हैं, वो शास्त्रों को बिल्कुल ही रिजेक्ट करते हैं, शास्त्रों को नहीं मानते हैं। जिस प्रकार से मान लीजिए उदाहरण लिया जा सकता है कि एक जो माँ है अपने बच्चों को प्रेम करती है, उसको एम्ब्रेस करती है, डिसिप्लिन करने का प्रयास करती है, तो शुरू में बच्चे को ऐसा लग सकता है क्या कि जो माता है ना, उसका जो माता क्या करे, प्रोटेक्ट करने का प्रयास करे उस एक्ट के द्वारा, लेकिन उस बालक को कभी कभी ऐसा लग सकता है कि माँ मुझे रिस्ट्रिक्ट कर रही है, रुकावट डाल रही है, प्रोटेक्ट मतलब रक्षा करने का माँ प्रयास कर रही है, लेकिन बच्चों को ऐसा लग सकता है। तो उसी प्रकार से जो विकर्मी है, जो भगवान के द्वारा दिए गए शास्त्र हैं उनको फॉलो करने के लिए, अगर भगवान ने शास्त्र दिए हैं कि उसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि हम कौन हैं, जिनमें देश क्या है, लेकिन उनको क्या लगता है, वो रिस्ट्रिक्शन लगता है, इसलिए उसको बिल्कुल ही फॉलो नहीं करना चाहते, अपने अनुसार से अपने जीवन को जीना चाहते हैं, बंधन समझते हैं उसको। उदाहरण हम ले सकते हैं कि मान लीजिए वो उनका बंधन एक छोटे बालक के जैसा वो कार्य है, एक तरह से मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है, उसको माँ बोलती है कि देखो मान लीजिए कि जो घर है रोड के किनारे है और बहुत सी गाड़ी आते जाते रहती है, तो छोटा बच्चा क्या करेगा, मान लीजिए हम लोग आप लोग गेट के पास देख रहे हैं ना, वो कैसे लगा हुआ है, थोड़ा सा ऊंचा करके रखा हुआ है, तो बच्चा उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा, माँ ऐसा करती है। लेकिन बच्चा बार बार आता है, देखता नहीं बाहर कितना अच्छा गाड़ी जा रही है, बहुत से लोग जा रहे हैं, मुझे भी जाना है, बच्चा सोचेगा। तो जैसे ही बच्चा जाता है और कैसे करके उसको क्रॉस करने का प्रयास करता है, माँ आती है उठा करके फिर से वापस रख देती है, राइट। तो शास्त्र यही काम करता है, शास्त्र क्या करेगा, आप कुछ गलत कार्य करने जाओगे, बताएगा नहीं ये गलत है, वापस लाएगी। लेकिन ये भी कर्मी लोग क्या करेंगे, नहीं हम मानेंगे नहीं शास्त्र को, तो उठाने वाला कोई है नहीं, तो सारा नियम कानून तोड़ेंगे। तो लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, अगर बच्चा तोड़ करके वो चला जाता है तो क्या होगा, उसको एक्सीडेंट हो सकता है, उसका ही नुकसान होगा, बच्चे की नुकसान हो सकता है, बड़े लोग भी अगर ऐसा कर दें तो किसी का भी होगा। तो उसी प्रकार से जो विकर्मी होते हैं भगवान के दिए गए शास्त्रों को वो रिजेक्ट कर सकते हैं, फ्रीडम है, लेकिन उनको ही नुकसान होगा, ये देख सकते हैं। तो ये चीज है यहाँ पर आता है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि इवन जो मटेरियल नेचर है, मैटर, जो देखो मैटर भी लॉ फॉलो करता है, ये चौक है, स्पिरिट तो नहीं है, मैटर ही है ना, लेकिन ये भी क्या कर रहा है, नीचे जा रहा है, तो किसी लॉ के अनुसार जा रहा है ना, राइट। तो जो मैटर है वो भी लॉ फॉलो करते हैं, और ये जो विकर्मी चाहिए कैसे मान सकते हैं कि जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, वो कोई लॉ नहीं फॉलो करेगा, राइट ना। वो बोलते हैं क्या, आपको भक्ति करना है, आपको अच्छा लगता है आप करो, मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं अच्छा, अच्छा तो नहीं करूँगा। और बहुत से लोग ऐसे जो आजकल हीरो हीरोइन जो होते हैं बॉलीवुड हॉलीवुड, वो लोग ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देते हैं, और चूंकि हमारे दुर्भाग्य है कि हम लोग भी उन लोगों को फॉलो करते हैं, तो कहते हैं कि इट्स माई लाइफ, अगर हम चाहें तो शादी करके बच्चा करेंगे या बिना शादी किए बच्चा करेंगे, ये हमारा लाइफ है, और क्या क्या कहते हैं, हाँ। तो ये सारी चीज़ें रिलेशनशिप और ये चीज़ की बातें जब करते हैं तो वो उनके अनुसार नियम नहीं रहता है, तो वो शास्त्र को बिल्कुल ही रिजेक्ट करके इस प्रकार से जीवन जीना चाहते हैं। लेकिन क्या है, हम देख सकते हैं अगर ये मैटर भी लॉ फॉलो करें तो आप इसके द्वारा अगर करेंगे तो सबसे ज़्यादा परेशान किसी होगी तो उसी व्यक्ति को होगा,
क्योंकि प्रॉब्लम इतना ही है कि जब कोई नेचर के लॉ को तोड़ेगा तो तुरंत पनिशमेंट मिलेगा उसको, छत पे चढ़ गया है और बोले कि नहीं नहीं कूदो, नहीं कूदूंगा तो कूदोगे तो पैर टूटेगा, तुरंत आपको इमीडिएट एक्शन हुआ। लेकिन भगवान के जो लॉ है उसमें शायद नहीं इमीडिएट एक्शन आपको नहीं मिलता है, आपको कर्म होने के बाद आपको अलग अलग पनिशमेंट मिल सकता है, नरक में जाओ, ये जाओ, वो जाओ। तो ये चीज़ है, यही केवल अंतर है, लेकिन पनिशमेंट तो आपको वहाँ पे भी है, हम ये देख सकते हैं। तो इस प्रकार से वो जो चाहते हैं कि रिजेक्ट कर देंगे शास्त्रा को, लेकिन जब शास्त्रा के रिजेक्ट को रिजेक्ट करते हैं तो वो उन्हें आत्मघाती, कभी कभी बोलते हैं ना लोगों को आत्मघाती है, तो आत्मा का घात कैसे कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि वो सोचते हैं कि अगेंस्ट जाके शास्त्रा को अच्छा कर रहे हैं, लेकिन शास्त्रा के विरुद्ध जाकर के वो अपना सेल्फ इंटरेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो अपने अगेंस्ट ही जा रहे हैं, वो उनके लिए ही खराब है। ये विकर्मिज को देखना चाहिए, ये समझना चाहिए, राइट। तो ये बात होती है प्रॉब्लम विकर्मिज में कि वो सब कुछ करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन किसी भी रूल कानून को नहीं जानते हैं, नहीं मानते। इसलिए 16.23 अगर आप चेक करेंगे भगवद्गीता में तो उसमें श्लोक में आता है कि न सुखम न परम गति, ना इस जन्म इस धरती पे आपको सुख मिलता है ना परम, अगर आप वैकुंठ को तो जा ही नहीं सकते ना वहाँ पे आपको सुख मिलेगा। और क्या करते हैं, वर्तते काम कारता, वो अपने जो किसको फॉलो करते हैं, अपने डिजायर को फॉलो करते हैं, तो इसलिए वो इस चक्र में फंसे रहते हैं। ये श्लोक में आप 16.23 में ये बताते हैं। तो यहाँ पे कर्मिज के साथ ये प्रॉब्लम है, डिजायर टू बी इरेगुलेटेड दे सफर मोर, उनका जो इच्छा है क्या कि हम इरेगुलेटेड रहेंगे, उस इच्छा के कारण वो क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा सफ़र करते हैं। कैसे, क्योंकि वो डिज़ायर टू ड्रिंक, पहले पीने की डिज़ायर होती है, चाहत होती है, फिर चाहत पीना उनकी मजबूरी हो जाती है। हमने देखा है पुणे में, हम लोग एडिक्शन कैंप करते थे किसानों के, वजह से तो बहुत से लोग थे जब होश में आते थे तो रोते थे कि मुझे इसे बाहर निकालो, राइट। लेकिन जब वो शुरू में आदत नहीं लगी रहती, लेकिन हम लोग जस्ट कंट्रोल में पीते हैं, ये क्या होता है कंट्रोल में पीते हैं, इन्जॉयमेंट के लिए पीते हैं, कंट्रोल में पीते हैं। और एक्चुअली क्या होता है, आप इसको समझना चाहिए कि एक बार पीना या गलत कार्य करने में कोई गलती एक्चुअली नहीं है। एक बार पीने में क्या गलती है, कोई बता सकता है? आप एक बार पी लो उसमें आपका नुकसान होगा क्या, क्या नुकसान होगा एक बार पीने से, बस एक बार पीने से आदत लग जाएगी। लत लगने का फर्स्ट स्टेप वही है, ओके फर्स्ट स्टेप वही है, थोड़ा सा और ग्राफिक बहुत अच्छा पता है आपने, लेकिन फर्स्ट स्टेप लत लगने का वही, लेकिन होता कैसे है, वो एक्टिवेट कैसे है, और जानना चाहते हैं उसके बारे में। एक्चुअली किसी को देख कर इंस्पायर होते हैं, किसी को देख कर इंस्पायर होते हैं। एक्चुअली होता ऐसे है कि आपने पहली बार जो पिया ना, तो माइंड क्या करता है, उस एक्सपीरियंस को रिकॉर्ड करता है कि कैसा लगा, वो स्टोर कर देता है। और आपको एक्चुअली नहीं नहीं हमें नहीं पीना ना, जस्ट एक बार दोस्तों ने बोला पी लिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि जब उसमें कुछ तमोगुण में होने का थोड़ा सा कुछ एक शायद होता नहीं है कुछ मजा आनंद, लेकिन उनको शायद कुछ आनंद लगता है, हाँ तमोगुण होने के कारण, भगवान का प्रेम मतलब उच्च स्तर पर नहीं होने के कारण शायद उनको कुछ अच्छा लग सकता है। और वही व्यक्ति जब क्या होता है कि सैड जोन में जाता है, जब कुछ जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, तो उस समय क्या है वो एक्सपीरियंस उसके दिमाग में से वो पॉपअप हो जाता है। तो वो जो बोलते हैं कि हम कंट्रोल में पीते हैं और एक बार पीने से लत नहीं लगेगी, वो ये प्रॉब्लम होता है। उस अवस्था में जब एक बार शुरू करते हैं फिर वो नहीं रुकते हैं, तो यहाँ प्रॉब्लम होता है एक बार पीने। तो खैर हम लोग विकर्मी के बारे में बात करें, तो विकर्मी जो होते हैं इस प्रकार से शास्त्र के नाम को रिजेक्ट करते हैं और भोग अल्टीमेट मात्रा में भोग करना चाहते हैं बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, जो उन्हें गाय भैंस बकरी और पेड़ पौधे बनाते हैं। तो प्रभुपाद जी पर्पट से देखेंगे तो तीन चीज बताते हैं इसके बारे में, क्या बता रहे हैं कि ये लोग जो जीवन जीते हैं बिना किसी वैदिक नॉलेज को फॉलो करके, क्या लिख सकते उसके एक वर्ड में, एक्ट विदाउट, हिंदी में कैसे लिखोगे, एक्ट विदाउट वैदिक इंजेक्शन, ठीक है ना, वो बिना किसी वैदिक इंजेक्शन के उसको फॉलो करते हैं, पहला है हमने अभी चर्चा की। दूसरा इसमें पॉइंट क्या है कि वो लोग 5.5.4 में भी प्रभुपाद जी नूनम प्रमत्ता कुरुते विकर्मा के बारे में बता रहे हैं, इसलोक प्रभुपाद जी ने यहाँ पे भी कोट किया, नूनम प्रमत्ता कुरुते विकर्मा यदि इंद्रिय पीते आपन होती। तो इसमें क्या बताते हैं कि भौतिकवादी जो लोग हैं जो सब कुछ कहा इंद्रिय तृप्ति को सब कुछ समझते हैं, वास्तव में वो पागल हैं, वो इंद्रिय तृप्ति के लिए सारे कार्य करते हैं। और क्या होता है, भौतिकवादी कार्यकलाप बुद्धिमान व्यक्ति के लिए तनिक भी शोभा नहीं देती है, क्योंकि ऐसे कर्म करके मनुष्य को भौतिक शरीर मिलता है जो कि दुख में होता है। तो प्रभु सीधे कोट करें भागवतम से 5.5.4 से कि ऐसा करने से क्या होगा, फिर से पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम के चक्कर में घूमते रहना पड़ेगा, तो इसीलिए वो कष्टकारी है। तो वो श्रीमद् भागवतम से कोट कर रहे हैं 5.5.4। और चौथा पॉइंट जो है प्रभुपाद जी इसमें बता रहे हैं कि अगर उनको आगे कुछ मिलेगा भी तो क्या मिलेगा, उनका जन्म जो होगा
जानवर के रूप में जन्म होंगे वो लोग, बर्थ है एनिमल ट्री, रूपा जी के प्रकट में सारी चीजें मिल जाएंगी, एंड प्लांट, ऐसे चीजों के रूप में उनका जन्म होगा। तो ये रहते हैं विकर्मी के बारे में। तो विकर्मी इस एक लेवल हो गया, उनसे आगे के जो रहते हैं वो कर्मी रहते हैं। लेकिन कर्मी का भी हम क्या रहता है, भोग करना चाहता है। अंतर क्या है दोनों में, एक जो है वो शास्त्र का पालन कर रहा है, एक नहीं कर रहा। हाँ, तो ये एंजॉय करने के लिए भी क्या करते हैं, धर्म का पालन करते हैं, लेकिन इसलिए उनसे तो श्रेष्ठ है ना, कम से कम नियम तो कुछ पालन कर रहे हैं ना। हाँ, वो क्या होता है, नहीं रिलेशनशिप ये वो, लेकिन कम से कम कुछ धर्म के अनुसार उस चीज को पालन करते हैं, तो इसीलिए उनसे वो बेस्ट है, उनसे श्रेष्ठ है कंपैरिजन में। विकर्मी से अच्छे ये है। कर्मी लोग, बट वही रहता है कि अपने ऊपर उनको बहुत ज्यादा भरोसा रहता है, कर्म के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं और करते हैं। तो वर्णाश्रम में जो रहता है वही होता है, वर्णाश्रम मदद करता है स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ने के लिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष के द्वारा आपको आगे बढ़ाने के लिए वो प्रोत्साहन करता है, क्योंकि इस तरह मटेरियल एडवांसमेंट भी होगा, लोगों का स्पिरिचुअल एडवांसमेंट भी होगा, ये सोच करके आगे चलते हैं। लेकिन क्या होता है कि बहुत से जैसे आचार्य लोग हैं वो लोग बोलते हैं ज्ञान कांड कर्मकांड केवल विजय ब्रह्मांड, ऐसा बोलते हैं। तो जब कभी आप ऐसा स्टेटमेंट सुनते हैं तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे प्योर डिवोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कहा जा रहा है कि ज्ञान कांड जो है कर्म कांड केवल क्या है, फालतू विषय है, उसके बारे में नहीं करना चाहिए। और भागवतम भी क्या कहता है कि कैतव है ज्ञान कांड और कर्म कांड, क्या है कैतव धर्म है, उसे किक आउट करना चाहिए, ऐसा बताते हैं। तो प्योर डिवोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे तो ये जो होता है आपका क्या होता है, सही नहीं है। लेकिन प्रोग्रेसिव स्टेज में क्या देख सकते हैं कि ये एक स्टेप आगे है विकर्मियों से, हम ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी प्रपट में और क्या क्या चीजें बताते हैं, इसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये लोग जो कार्य करते हैं अकॉर्डिंग टू किसे करते हैं, एक्ट अकॉर्डिंग टू वैदिक, यहाँ पे ये लोग वैदिक नॉलेज के आधार पे कार्य करते हैं। और फिर यहाँ पे जो लोग रहेंगे वो ऑब्वियसली वो क्या है, सुपीरियर मतलब ऐसा ये लोग कर दिया सुपीरियर टू विकर्मीज, ठीक है। और तीसरा प्रभुपाद जी लिखते हैं एलिवेटेड टू हायर प्लैनेट, तो ये लोग क्या होगा जो कर्म करेंगे इनको आगे हायर प्लैनेट पर चलेंगे, जैसे कि मून प्लैनेट एक्सेट्रा पे वो जा सकते हैं, कुछ अपने कर्म के अनुसार मून प्लैनेट पर चले जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम भी है कि क्या होगा, छिन्ने पुण्यम मृत्युलोकम विशंति, 9 चैप्टर में आता है श्लोक 921 शायद, छिन्ने पुण्यम मृत्युलोकम विशंति, तो वहाँ पर ये श्लोक आप देख सकते हैं शायद, या रिटर्न टू मृत्युलोकम का हो जाएगा। ये प्रॉब्लम है इनके साथ, तो ये रिटर्न टू मृत्युलोक, ये आपको मैं भेजूंगा बाद में। तो ये प्रॉब्लम है इनके साथ, जो ज्ञानी होते हैं वो इनसे ज्यादा श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि वो भोग विलास में नहीं लगे रहते, लेकिन वो सोचते हैं कि आत्मतत्व को प्राप्त करना, अहम ब्रह्मास्मि, उसमें ज्यादा रहते हैं ज्ञानी लोग। मुझे भगवान को और वो सोचते हैं करने क्या, दिन भर भोग विलास में लगे, हमें क्या करना है, ड्राइव फिलोसफी के द्वारा अपने आप को सेंसेस को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं और भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो ये कह सकते हैं कि मैं आत्मा हूँ तक सोचना ठीक है, उसे प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं, लेकिन ये भी इन्फीरियर है भक्तों से, क्योंकि लास्ट में इनको ऐसा रियलाइज हो जाता है कि कम से कम मैं केवल सोल नहीं हूँ, सोल जो है किसका पार्ट है, भगवान का पार्ट है, तो वहां से उनकी भक्ति चालू हो सकती है अगर उस तरह से सोचना प्रारंभ कर दे। तो उस दृष्टिकोण से कर्मी से अच्छे हैं, बट भक्त से ये लोग नीचे रहते हैं, ये हम देख सकते हैं। और भोपाल जी बताते हैं ज्ञानी के बारे में कि ये लोग ज्ञान के स्तर पर कम से कम आए जाते हैं, ज्ञान के स्तर पर ये कार्य करते हैं, ठीक है। और ये जो लोग हैं फिर नो फ्रूटी, उनको पता रहता है कि जो ये जो इनको पता नहीं रहता कि फ्रूटिव एक्टिविटी जो है ना बाइंड करेगी। एक और चीज रहता है कि कर्म कांडी जो लोग रहते हैं ना, जो कर्म कांड को फॉलो करते हैं, तो उनको ये रहता है कि भगवान नियंत्रण में है। वो क्या करते हैं, वो भगवान की पूजा अर्चना क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि मान लीजिए पूजा अर्चना करेंगे तो बारिश आएगी। वो अपना इंडेवर को मैक्सिमम समझते हैं कि मैं अपने कर्म से करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ध्यान में रहता है बैकग्राउंड में कि भगवान की मदद से हो रहा है, बारिश हो रही है, धरती है, अन्न नहीं दे सकती है, लेकिन वो मर्सी फूलों करके वो जो हम बीज डालते हैं तो वो उगता है, तो वो कहीं ना कहीं भगवान के कनेक्शन को देखते हैं। तो जस्ट अभी ध्यान आया, तो कर्मी इस कारण से इनसे श्रेष्ठ होते हैं वो यहाँ पे। तो ज्ञानी जो है पहला चीज़ क्या है, ज्ञान के स्तर पर वो लोग रहते हैं। दूसरा क्या है, नो फ्रूटिव एक्टिविटी बैंड, उनको पता रहता है कि जो फ्रूटिव एक्टिविटी कर रहे हैं वो क्या कर रही है, वो बाइंड कर रही है, बंधन में डालेगी। फ्रूटिव एक्टिविटी जो है बंधन में, किसके बंधन में डालेगी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि,
और उसके चक्कर में डालेगी, ये पॉइंट है। और तीसरा क्या है, सुपीरियर टू कर्मी, जो ऑब्वियसली ये जो लोग क्या रहेंगे, सुपीरियर टू कर्मी रहेंगे, प्रभुपाद जी लिखते हैं प्रपत्र में। और लास्ट में है, और जब तक ये भक्ति को नहीं लेते हैं तब तक 7.19 श्लोक देखिए क्या है, 7.19 प्रभुपाद जी कोट करते हैं प्रपत्र में, जब तक वो अनलेस दे टेक टू भक्ति, जब तक भक्ति को नहीं लेंगे वो अपना तो जब तक इस स्टेज तक नहीं आएंगे वो उनका चक्कर लगा ही रहेगा, वो भी भगवान को एक तरह से प्राप्त नहीं कर पाते। तो वो जब स्टेज आएगा उनका तो वो भक्त के कैटेगरी में चले जाते हैं एक तरह से, क्योंकि भगवत गीता में भी चतुर्विधा भजन्ते मम, आई थिंक 7.16 चतुर्विधा भजन्ते मम, ये जना पर उपास थे, नहीं नहीं आपने मिक्स कर दिया मेरे को, ज्ञानी है। और अगले श्लोक में बोलते हैं सब में श्रेष्ठ ज्ञानी है, वहां पे भगवान बोलते हैं, ठीक है। तो इस रूप से क्या होगा, अगर वो भक्ति के लेवल पे आ जाएंगे, भवनाम जन्मनाम ज्ञानवान प्रबद्धन्ते असुदेव सर्वति सौ महात्मा से दुर्लभ, अगर उस स्टेज पे आ जाएंगे तो वो आगे बढ़ सकते हैं। और भक्ता का तो कहना नहीं है, भक्ति के बारे में हम लोग भक्ति मार्ग में तो थोड़ा बहुत जानते हैं। तो प्रभु जी ने, मैं सुन रहा था लेक्चर में, तो बहुत अच्छे से बताया कि ज्ञानी कर्मी और भक्त में अंतर क्या है। तो वो बंदर वाला एग्जांपल देते हैं, सबको पता है बंदर और बिल्ली वाला, राइट। बंदर जो क्या, बंदर का क्या होता है कि बंदर का जो बच्चा होता है वो खुद से अपनी माँ को पकड़ता है, तो वो ज्ञानी का अप्रोच हो गया कि खुद से भगवान को अपने शक्ति के आधार पर भगवान को प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए है। लेकिन बिल्ली क्या है, अपने बच्चे को मुँह से पकड़ती है, तो माँ होकर के मुँह से पकड़ती है, तो वहाँ पर छूटने का कोई चांस नहीं है। तो इसी प्रकार से भक्ति में क्या होता है, जो भक्त रहते हैं भगवान पे आश्रित रहते हैं, उनमें खुद का जो इंडिविजुअल रहता, हाँ हम अपना कार्य करेंगे लेकिन भगवान जब चाहेंगे तो उस प्रकार की चीज़ें मिलेंगी, ऐसा है। वो जाह विधि राखे राम तह विधि रही है, कम ऐसा लोगों को सुना आपने होगा, अरे जाह विधि राखे राम तह विधि रही है। और आगे भी कुछ आता है क्या, राधे कृष्ण कुछ सीताराम 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 कहे सीताराम। तो इस प्रकार से ये रहता है। और भक्त जो जो भक्तास के लिए प्रभुपाद क्या लिखते हैं कि ये जो है डिवोशनल सर्विस को परफॉर्म करते हैं, डिवोशनल सर्विस को मैं डीएस लिख रहा हूँ, डिवोशनल सर्विस को अंडर फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल, फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल का अंदर पालन करते हैं, जिसमें चार नियम तोड़ते नहीं है, हो जा रहा है कि धीरे छोटे है। तो भक्तास इसको करते हैं, उसके बाद ये प्योर डिवोटीज बन सकते हैं, एक प्योर अपने आप को कहा, क्योंकि गुरु जो है क्या है, तत्वदर्शी है। तद्विधि प्रणिपाते ना परिप्रश्न न सेवाया, तो इसमें क्या होता है, आई डोंट नो, आप क्या करते हो, सबमिट करते हो। जो भक्त होता है हमली क्या करते हैं, हम सबमिट करते हैं, आई डोंट नो, तद्विधि परिपाते ना परि प्रश्न से ना उपदक्षंती ज्ञान तत्वदर्शी जो रहता है उसमें ज्ञानी तत्वदर्शी ना, वो फिर जो गुरु जो है क्या है, तत्वदर्शी है, तो वो हिनोज दबे देन ही कैन सोज दबे, वो जानते हैं भक्ति मार्ग के रास्तों को, तो वो बता सकते हैं भगवान को कैसे प्राप्त करना है, वो प्योर डिवोटीज के अंदर रह करके उसे प्राप्त कर सकते हैं, दूसरा पॉइंट है। और इस प्रकार से वो क्या करेंगे, वो प्योर लव को डेवलप कर पाते हैं, डेवलप प्योर लव and at last Narada Sanaka and Sanatana इसी उदाहरण के रूप में प्रभुपाद जी बताते हैं कि नारद मुनि जो हैं सनक सनातन, ये उदाहरण हो सकते हैं कि डेवलप प्योर डिवोशन, प्योर लव ऑफ गॉड है, डिवोट कर सकते हैं, ठीक है। चार नियम के लिए कोई श्लोक है, चार नियम है, चार नियम पालन, हाँ है, भागवतम के पहले स्कंद में 17-18 चैप्टर में सुति दूतम पानम स्त्रिय सूनम करके आप इंटरनेट पर टाइप करेंगे आपको मिल जाएगा, दूतम गैम्बलिंग पानम स्त्रिय दून दूतम स्त्रियम पानम, ऐसे करके श्लोक आता है, नॉट रिमेंबर एक्जैक्टली, बट 17-18 चैप्टर जब आता है परीक्षित महाराज का सेक्शन है, जब कली आता है तो श्लोक है, डायरेक्टली श्लोक है, कोई अगर बीच में अगर सर्च कर पाता है तो कोई बता सकते हैं, बट श्लोक है दूतम पानम स्त्रिय सूनम, ये चार जो है प्रोविड प्रिंसिपल है। तो अभी जो आता है, अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा गोपीज के बारे में बात करेंगे, गोपीज का प्रेम कैसा है भगवान के प्रति, क्योंकि ये सारी चीज़ें अभी तक आप जानते थे इसलिए मैंने जस्ट लिख दिया, राइट। तो देखिए जो गोपी का जो प्रेम है,
और एक और चीज जानिए कि जो भक्त की जो हम भक्ति कर रहे हैं ना, तो एक लाइन में बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि डिवोशनल सर्विस एंड ह्यूमन लाइफ इज मेड फॉर ईच अदर। जो अगर मनुष्य का स्थिति प्राप्त करके अगर भक्ति नहीं कर रहा है तो वास्तव में उसका जो जीवन है व्यर्थ ही है। इसीलिए वी मेड फॉर ईच अदर बोलते हैं ना, तो ह्यूमन लाइफ एंड डिवोशनल सर्विस इज मेड फॉर ईच अदर, इस प्रकार से देखना चाहिए है? तो एक लाइन इसमें हम याद रख सकते हैं। गोपी जो है उनका जो प्रेम है वो सेल्फलेस है, किसी कारण से वो प्रेम नहीं करती हैं, बस वो इस प्रकार से ऐसे बताते हैं। हाँ मिल गया श्लोक 1738, दूतम पानम स्त्रिय सुना यत्र धर्म चतुर्विधा अधर्म चतुर्विधा 1738 सूतो वाच बोला है। थैंक यू ब्रो। 1738 में आता है। तो गोपीज का जो प्रेम कैसा है, तो सेल्फलेस फॉर्म ऑफ डिवोशन है, वो भक्ति का सेल्फलेस है। जो वो जैसे कि आप उसको उदाहरण के लिए सभी लोग एक सुंदर सा पास टाइम कोट करते हैं नारद मुनि का वो इंसिडेंट, जब एक बार कृष्ण दिखाना चाहते थे कि गोपियों का प्रेम सबसे श्रेष्ठ है तो क्या करते हैं, कृष्ण को सिरदर्द होता है और सिरदर्द होता है तो लोग बताते हैं कि जाओ नाथ मुनि परेशान होते हैं कि क्या कर रहे हैं, लेकिन नहीं कुछ नहीं, मेरे किसी भी भक्त के चरण के धूली को लाएंगे तो मेरा सिरदर्द ठीक हो जाएगा। तो तुरंत जाते हैं रुक्मणी के पास जाते हैं, सत्यभामा के पास जाते हैं और बताते हैं कि कृष्ण का सिरदर्द हो रहा है। हाँ बताओ क्या करना है, जाओ दवाई लाओ। बोले हाँ उसका दवा क्या है, तो भक्त के पैर के नीचे का धूली। तो लोग डर जाते हैं कि अरे सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड को अगर हम पैर की धूली देंगे तो हमारी क्या गति होगी, ऐसा सोच करके वो देना नहीं चाहते हैं एक तरह से। तो वो भगवान बोलते कि अरे नहीं नहीं हम कैसे दे सकते हैं, जरूर कुछ ऐसा होगा। तो वो फिर नारद मुनि आगे बढ़ते हैं, सबको ढूंढते ढूंढते लास्ट में वो कहाँ जाते हैं, गोपियों में वृंदावन आते हैं। वृंदावन में कहते हैं गोपियाँ जब एक जगह बैठी थी कि आप भगवान का सिरदर्द कर रहा है, तो वो लोग बहुत ही अचानक से घबरा जाती हैं। बोलते कि ठीक है क्या करना होगा उनका सिरदर्द ठीक हो जाएगा, तो बोले कि आप लोग चरण का धूली दीजिए। तो वो लोग ऐसा बताते हैं, कभी कभी कुछ लोग ऐसा डिस्क्रिप्शन करते हैं कि वो नाचने लगती हैं, क्यों, क्योंकि धूल बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है पाउडर करके और सैक में भर के बड़े से बोरे में भर करके देते हैं। नारद मुनि बहुत आश्चर्य से देखते रहते हैं कि अरे आपको पता है आप क्या कर रहे हो, क्या होगा इसका परिणाम। बोले हाँ पता है, हम इटर्नली नरक में जा सकते हैं, लेकिन कहते हैं कि हमारा अगर हमारे इटर्नल नरक जाने से अगर एक सेकंड के लिए भी कृष्णा को राहत मिलती है तो हम एग्री हैं वहाँ जाने के लिए। तो ये जो प्रेम रहता है वो गोपियों का है, वो किसी कारण से प्रेम नहीं करती हैं कृष्ण को। रासलीला में भी जब वहाँ से जाती हैं तो आप देखेंगे कि कौन, ये जैसे कि उद्धव भी इस चीज़ को मानते हैं, कहते हैं कि दुनिया में एक चीज़ जो है जो औरत को बांधती है क्या है, तो अपने पति को जल्दी नहीं छोड़ सकती है। कोई ऐसे कुछ कर सकती है लेकिन पति को पिता को पुत्र को वो नहीं छोड़ सकती है जल्दी। लेकिन जब गोपियों का कृष्ण के प्रति जो प्रेम था वो सबको छोड़ के चले आते हैं। जब दाल सर्विंग कर रहे थे सुनते हैं तो वो छोड़ करके वहाँ से भाग जाते हैं। आपने पिछली बार सुना कि बच्चे को क्या करते हैं, पानी डालने के बदले बच्चे को वो डालते हैं कपड़ा ऊपर का नीचे, बाल्टी से पानी निकाल रहे होते हैं, निकालने जाते हैं, लेकिन जब सुनने लगते हैं तो अपने बाह्य चेतना खो देते हैं। तो बाल्टी में रस्सी बांधना चाहिए तो बच्चे के गर्दन में रस्सी बांध देते हैं और उसको डाल देते हैं। इसको दूसरे सेंस में नहीं लेना है, उनके प्रेम के सेंस में लेना कि उनका प्रेम कितना था भगवान के प्रति। तो ये सारे एक्शन होते हैं और अब कुछ कुछ लोग इसको समझ नहीं सकते हैं क्योंकि जो हमारी जो भावना है, वर्ल्ड इज अ मिरर ऑफ आवर ओन कॉन्शियसनेस, जो हमारी चेतना है कैसी है, हमारी जैसे चेतना रहती है वैसे हम उसी आंख से पूरी दुनिया को देखते हैं, राइट। अगर हमारा ब्लू कलर का या येलो कलर का ग्लास पहन ले चश्मा पहन ले तो दुनिया कैसे देखेगी, येलो, अगर येलो चश्मा है तो येलो दिखेगा, ब्लू है तो ब्लू दिखेगा। लेकिन वास्तव में वहाँ कुछ नहीं है, प्रॉब्लम इधर है ना। एक बार क्या होता है कि एक बाबा रहते हैं, एक व्यक्ति को कुछ प्रॉब्लम था, हाँ वो बहुत ज़्यादा कुछ नान में नींद नहीं आती थी वगैरह वगैरह। तो बाबा ने बोला उसको कि जाओ एक काम करो, आप जहाँ रहते हो सभी जगह नीला कर दो, आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कुछ प्रॉब्लम था एग्जैक्टली वो डिटेल याद नहीं आ रहा है, बोले सब जगह नीला कर दो। फिर ठीक है, वो व्यक्ति क्या किया, सब कुछ नीला कर दिया, बाथरूम का कबर्ड नीला कर दिया, वहाँ से लेकर के ऑफिस के दीवार से लेकर अपने एम्प्लॉयज़ के कपड़े से लेकर के सब कुछ नीला कर दिया। बाबा एक दिन घूमने के लिए आए कि हमारा भक्त कैसा है थोड़ा देखे। तो बाबा अंदर जा रहे थे तो शायद व्हाइट कलर का कपड़ा पहने हुए थे, तो उनको भी बोला नीला कर दिया, बोला कि आपको आपके चेले से मिलना है तो मेरे बॉस ने ऐसा बोला है, बहुत अमीर व्यक्ति था तो नीला कर दिया। तो बोले कि देखो आपको क्या करना था वहाँ पे, जो मैं इस पास टाइम से ये लेना चाहते हैं, वो बोले कि अगर आप अगर सच में ब्लू करना था तो सबको आपको ब्लू देखना था ना, तो एक चश्मा ब्लू पहन लेना था, आपको सब कुछ ब्लू ब्लू दिखता है, आपको सब कुछ ब्लू करने की जरूरत क्या थी, राइट। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो लोग हैं
जब वो कृष्ण और राधा गोपियों का जो प्रेम को देखते हैं कृष्ण के प्रति, तो वो क्या लगता है, उनको काम लगता है। तो एक्चुअली काम जो है उनके रिलेशन में नहीं है, वो हमारे अंदर काम है। वो हमारे अंदर जो काम है वो हम दूसरों में देखते हैं, यही प्रॉब्लम है। उसके लिए छोटा सा उदाहरण भी हम लोग देख सकते हैं कि एक बार एक फॉरनर व्यक्ति था, अभी कटहल का सीजन है ना, कटहल का जो कुआ खाते हैं, तो वो भी कटहल खाना था उसको। लेकिन प्रॉब्लम क्या था उसको, बड़े बड़े दाढ़ी थे, इतने बड़े बड़े वाइट हो या ब्लैक हो जो भी हो, क्या करना अपने को, लेकिन बड़े बड़े दाढ़ी थे, उसे कटहल खाना था। जब कटहल को जब वो काटता था, जब खाता था तो चिपक जाता था इसमें, खा नहीं पाता था बार बार, वो हमेशा परेशान, कटहल खाना है लेकिन चिपक जा रहा है, तरीका पता नहीं था कैसे खाना है वो क्या, तो परेशान। तो एक आदमी को देखा, बहुत दुखी होकर जा रहा था, तो एक आदमी देखा आपके जैसा व्यक्ति थोड़ा, हाँ क्या बात है प्रभु जी, कहाँ इतना परेशान है आप, तो बोला कि देखो ना हमें तो आई वॉन्ट टू चीट, ऐसे करके बोले होंगे कुछ, मुझे क्या करना है, मुझे कटहल खाना है, वो जो भी कटहल का फल होता है उसे खाना है, लेकिन नहीं खा पा रहा हूँ क्योंकि दाढ़ी है। सिंपल सी बात है, क्या करना है, दाढ़ी को सेव कर लीजिए और खा लीजिए। वाह, तो गए दाढ़ी को सेव करके, और सच में फिर बहुत बन के खाए, खा लिया और जा रहे थे रास्ते में, तो रास्ते में एक व्यक्ति देखा पूरा क्लीन सेव करके आ रहा था, तो क्या बोलते हैं, कटहल प्रॉब्लम, आपको भी कटहल खाना था इसलिए आपने सेव किया है। ऐसा हो सकता है क्या कि वो कटहल खाना इसलिए सेव किया है, चूंकि मेरे को कटहल खाने की इच्छा है और मैं जिस किसी को भी देख रहा हूँ सेवन, तो सोच रहा हूँ क्या अगर दाढ़ी क्लीन सेव है तो कटहल का प्रॉब्लम है, वही प्रॉब्लम है। एक्चुअली काम किसमें है, तो इस जो लोग कहते हैं ना कि गोपियों में काम है कृष्ण के प्रति, कृष्ण में काम है गोपियों के, उनके अंदर काम है एक्चुअली। अदरवाइज जो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जो छह गोस्वामी है, इतने सुंदर रघुनाथ दास गोस्वामी, सुंदर आता है वर्णन कि अप्सरा जैसे अपनी बीवियों को छोड़कर आकर किसके पीछे भाग रहे हैं, वृंदावन में गोपियों का गुणगान करते फिर रहे हैं। तो आखिर इतने बड़े सन्यासियों को उनके पीछे क्यों भागना था, अगर उनमें कृष्ण के प्रति काम की भावना होती, तो इधर हम कॉमन सेंस से भी समझ सकते हैं कि वैसा भाव नहीं था। लोग सोचते हैं कि रासलीला हुआ, तो रासलीला कब हुआ था, कितने वर्ष में हुआ था, याद है किसी को बताइए, कितने वर्ष में रासलीला हुआ था, कृष्णा कितने उम्र के थे, शायद गोपियों का जो वस्त्र लीला हुआ था वो तो कितने उम्र में हुआ था, 7 या 8 साल में तो गोवर्धन लीला, गोवर्धन पर्वत उठाए थे ना, अभी मैं भक्त से डिस्कस कर रहा था, 8 वर्ष की उम्र में अगर कोई छोटा बच्चा डांस करता है तो उसको क्या आप क्या समझेंगे, वो काम है हा? तो उस अवस्था में डांस हुआ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सारा उसके नाम पर आज करके लोग क्या करते हैं वो अलग चीज है। वो सोचते हैं क्या मायावादी और सहजी या जो भी बोलिए, वो सोचते हैं कि जब वो वहां पर राधा कृष्ण बनाते हैं। एक बार क्या हुआ कि प्रभुपाद जी जब ये सब रासलीला का जो पंचाध्याय है, भागवत में कौन से चैप्टर में आता है, पंचाध्याय, रस पंचाध्याय बोलते हैं ना, 29-33, ये जो 5 चैप्टर है 29-33 रस पंचाध्याय कहते हैं। तो उसमें भक्तों ने पढ़ा कहीं से, चाहे जो भी हुआ, वो लोग कहा कि अपने आप को राधा कृष्ण की तरह ड्रेस कर लिए, और ड्रामा हो रहा था वो राधा कृष्ण की तरह ड्रेस कर लिए। जब राधा कृष्ण की तरह ड्रेस किए तो दूसरे भक्त लोग आरती करने लगे। कृपा जी ड्रामा में कुछ नहीं, जब ड्रामा खत्म हो गया तो अगले दिन प्रभुजात ने बताया कि आज के बाद से कभी भी ऐसा नहीं होना है, ऐसा नहीं करना है, कि नहीं क्या होगा कि लोग उसे अलग सेंस में ले सकते हैं, अलग एंगल में ले सकते हैं, राइट। तो प्रभुपाद जी ने इसको पूरी तरह से एक ये किया कि हमें सहज भाव में नहीं जाना है, राइट, ये चीज़ को बताते हैं। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि हमें ये देखने का प्रयास करना चाहिए, कभी लोग प्रश्न पूछने लगते हैं कि भगवान मेल है कि फीमेल है, अरे वो जरूरी नहीं है, मैं क्या हूँ, मेल हूँ कि फीमेल हूँ, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप सोल हो, आप आत्मा हो, ये ज़रूरी है। और उस सेंस में अगर आप सोचोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। जो गोपियां हैं वो भगवान को मेल फीमेल में आप क्यों देख रहे हो, वो आत्मा के दृष्टिकोण से देखोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये हम चीज देख सकते हैं, राइट। तो इस कंसेप्ट पे आपका फोकस ज्यादा होना चाहिए कि हम क्या है, आत्मा है, ना कि स्त्री और पुरुष के रूप में देखना चाहिए, ये भाव ध्यान रखना है। और इसी के लिए क्या करते हैं कि आखिर 10वें स्कंद में प्रभुपाद जी या फिर क्यों ऐसा वर्णन आया है गोपियों का, चाहे कृष्णा के गुरु लीलों का, क्योंकि भगवान प्रभुपाद जी चाहे जो उन्होंने लिखा है परीक्षित महाराज सुखदेव को समय, चाहते थे कि जब आप यहां से देखो भगवान किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए, नरसिंह के देव के फॉर्म में आ सकते हैं अपने उस अवस्था में भक्त की रक्षा के लिए, कहीं से भी उत्पन्न हो सकते हैं। कहाँ से उत्पन्न हो सकते हैं, एक डेड पिलर से, निर्जीव वस्तु से बाहर आ सकते हैं,
उस शुक्र के रूप में आ सकते हैं, वामन छोटे से बालक के रूप में आ सकते हैं। तो भगवान अपने भक्त को प्रसन्न करने के लिए किसी भी रूप में आ सकते हैं। तो ये मत, तो इसलिए इतने महान जो कैंटोज है, नाइन्थ कैंटो, इसलिए कहा जाता है कि हमें 1-9 कैंटो जाएंगे तो भगवान के महान गुणों को आप समझ पाएंगे। इसलिए डायरेक्टली 10वें कैंटो में नहीं कूदना चाहिए। अगर ये पढ़ने के बाद अगर भगवान के जो लीला को आप पढ़ेंगे तो आप मतलब क्या होगा, आप भ्रमित नहीं होंगे और गलत दिशा में उसको नहीं सोचेंगे। ये हमें सोचना चाहिए, क्योंकि जो सब्सटेंस जरूरी है, फॉर्म नहीं। अब आप कर रहे हैं बोलो, ये कुछ दुनिया जो डुअल सॉन्ग गा रहे हैं वैसा है, बट वैसा कुछ रिलेशन नहीं है, राइट। तो वित्रासुर देखेंगे फॉर्म राक्षस का था, लेकिन वो इंद्र भगवान के भेजे गए, भगवान ने उनको दिया था। कौन सा वस्त्र दिया था? दधीचि मुनि का थंडर बोल्ट, वज्र अस्त्र जो भी हो वो दिया था। वो क्या किए, इतना युद्ध में यूज किया हुआ। इंद्र क्या करते हैं, अपना इतने सारे युद्ध में यूज किया हुआ अपना क्लब, क्लब मतलब गदा फेंकते हैं। वो क्या करता है, पकड़ लेता है ऐसे वित्रासुर, और पकड़ करके ऐसे फेंकता है। जब ऐसे फेंकता है तो इंद्र के साथ एरावत भी 10 घुलटियां मार के नीचे गिरते हैं, कीचड़ में ऐसे गिर जाते हैं। इंद्र को क्या होता है ना, कॉन्फिडेंस जीरो हो जाता है, अब मैं नहीं लड़ पाऊंगा इस वित्रासुर से। वित्रासुर का वृत्त आसुर बहुत ही बड़ा वृत्त के समान उसका आकार था, चित्रकेतु महाराज थे पिछले जन्म में। तो खैर जो भी हो कारण, तो यहाँ पे ऐसे असुर बनते हैं। और ये जो लेकिन इंद्र को अपना जो विष्णु ने बताया था कि अस्त्र पे भरोसा रखो, मेरे वचन पे ध्यान रखो, लेकिन वो उनको कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। वित्रासुर कहता है उनको, विष्णु ने जो अस्त्र दिया है ना उसका उपयोग करो, मैं अभी क्या करूंगा, मैं भगवान को प्राप्त करूंगा। उन्हें खुशी हो रहा होता है कि मैं मरूंगा तभी तो भगवान से मिलूंगा ना, ऐसा। तो ये तब देखिए एक्सटर्नल दृष्टिकोण से देखेंगे तो उनका शरीर कैसा था, तो राक्षस का था। और वो खाते भी थे, जब चलते थे तो कितने इंद्र देवता लोग मरते थे और वो कभी कुछ को उठा के कर लेते थे, राइट। तो उस दृष्टिकोण से नहीं, उनका वो शरीर वैसा था। उसी प्रकार से गोपियों का शरीर एक्सटर्नली क्या है, वो फीमेल का है, और हम समझते हैं कि कृष्णा मेल है और वो इंजॉय करना चाहते हैं। कृष्ण आत्मा राम है, कृष्णा सेल्फ सेटिस्फाइड है, उन्हें किसी और सेटिस्फेक्शन नहीं चाहिए। वो एक भाव रहता है सेवा के रूप में, ऐसा किया जाता है, हमें इस रूप से समझना चाहिए। क्योंकि एक ही पुरुष है इस पूरे जगत में, कौन है वो है कृष्ण, और सभी कोई प्रकृति है। आप जब सोच रहे हो ना कि अब पुरुष सोच है, मैं पुरुष हूँ, तो हम भी इंजॉयड है, टू बी इंजॉयड है कृष्णा के द्वारा, ऐसा है। और पुरुष और एक और सटल रूप में जाएंगे तो पुरुष और जो स्त्री होता है ना, इससे नहीं, इसी को मान लीजिए किसी परिवार में स्त्री लीड रोल कर रही है तो वो पुरुष का रोल निभा रही है। इस सेंस में देखना चाहिए, केवल आपको ये शरीर मिल गया है जिसमें मोच दाढ़ी आ रहा और इस तरह के, तो इसलिए आप पुरुष नहीं होते, कौन लीड करता है उस पे। तो खैर ये, और ये भी स्वरूप चेंज होते रहेगा ना, आप अभी पुरुष हो, अगले जन्म में क्या रहोगे किसको पता है। स्पिरिचुअल जगत में इसलिए थोड़ी ना कोई भगवान की सेवा करता है कि पुरुष है तो स्पेशल सर्विस मिलेगा और स्त्री है तो थोड़ा सा दूसरा सर्विस मिलेगा, नहीं। वो आपका स्वरूप जो है किसी भी रूप में रहे, यहाँ तक कि जो घास भी होते हैं वो भी बहुत दिव्य समझते हैं अपने आप को और भगवान के उस रूप में सेवा करते हैं शांत भाव में, राइट। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए कि गोपियों का जो प्रेम है कृष्ण के लिए वो भौतिक प्रेम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसीलिए कोई भी हम लोग इसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं करते इस श्लोक के ऊपर। जो अगला श्लोक है वो तो केवल ट्रांसलेशन पढ़ के ही हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या है कि हम कैसे समझ पाएंगे। हमें जो साक्षात्कार है वो उस तरह की किसी चीज का नहीं, हम अभी अनर्थ निवृत्ति और इसमें हम लोग अपन धीरे से भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो भाव और प्रेम को लेकर वो कैसे समझ सकते हैं। लेकिन जो हमने सुना है आचार्य लोग जैसे बताते हैं उसके साथ हम समझने का प्रयास करें, तो गोपियों का जो प्रेम था बहुत ही अटूट था और बहुत ही निस्वार्थ था, कोई भी उनमें काम की भावना नहीं थी। अब देखिए ना, जब गोपियों को बंद कर दिया जाता है रूम में तो विरह भाव से वो शरीर को छोड़ देते हैं रासलीला में। जब 32 आप जब जाएंगे उस, आप अगर देखेंगे रसा पंचम अध्याय में तो 29 चैप्टर में कृष्णा बजाना शुरू करते हैं, गोपी लोग आती है, बोलते अरे क्यों आ गए आप लोग रात में, आधी रात के सबके समय है क्या, आप लोग अच्छे घर के औरतें ये सब आना चाहिए क्या, जाओ जाओ हो गया ना जाओ, बोलते ये दो हम यहाँ पे सब कुछ छोड़ के आपके लिए आए और आप बोल रहे चले जाओ। कृष्णा और डबल मीनिंग वाले अगर आप पढ़ोगे, पढ़ना मत पढ़ना मुझे पता नहीं, लेकिन ये जो कोई पढ़ता है तो हमें पता चलेगा आपको, कृष्णा डबल मीनिंग वाले वहाँ पे वर्ड्स यूज करते हैं, जिसका आचार्य लोग का कमेंट्री से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप क्यों आए हो यहाँ पे, आपको नहीं आना चाहिए। इस प्रकार से डबल मीनिंग मतलब उसमें दो अलग अलग भाव रहते हैं, कुछ गलत सेंस में नहीं, राइट। तो उस प्रकार से वहां पे करते कि आप लोग चले जाओ, लेकिन फिर बाद में हम देखेंगे कि 31 में फिर वो कैसे कृष्ण जी को फिर से प्रेषण को ढूंढने लगते हैं गोपियां लोग, जब रासलीला में वो जब चले जाते हैं तो कृष्ण को हर एक जगह क्या गोपियां ढूंढ रही होती हैं। तो इस प्रकार से गोपियां जो है उनका प्रेम जो सर्वश्रेष्ठ, लेकिन गोपियों में भी सर्वश्रेष्ठ कौन है, राधा रानी है।
तो जब इन दोनों को अभी इसके उदाहरण की तरह समझेंगे, जब जब रसा डांस होता है हाँ, तो गोपियाँ जब कृष्ण क्या होते चले जाते हैं उनको छोड़ करके, तो सब लोग ढूंढने लगते हैं, सब लोग बहुत ही बिरह में। और ऐसा भी वर्णन आता है कि कोई लोग आपस में ही पास टाइम करने लगते हैं, कालिया वाला पास टाइम, तो कोई पूतना का पास टाइम, इस प्रकार करने लगता है। और जो दूसरा ब्लूइश फॉर्म दिखता है उनको, कोई एक सुनहरे नीला जैसे कृष्ण का कलर है वैसा दिखते हैं, तो सब लोग दौड़ के जाते हैं, सारी गोपियाँ दौड़ के जाते हैं। जब पास में देखते हैं तो दो और हाथ कहाँ से आ गए, चार हाथ वाला कृष्ण नहीं है, तो फिर दंडवत तो करती है लेकिन उनसे देखिए। तो लोग क्या समझ सकते हैं कि भगवान विष्णु को देखना तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है ना, तो वो डिसअपॉइंट हो जाती है, अरे कृष्णा नहीं, दंडवत करती है, रेस्पेक्ट करती है, तो आपको पता है क्या कृष्णा किधर है, तो वो बताते हैं कि कृष्णा खुद थे वही थे लेकिन 400 फॉर्म में थे, बोलते हैं कि उस तरफ ऐसे करके देते हैं, तो गोपियाँ उधर चली जाती है। लेकिन हमें समझने की बात यह है कि जो पूरी दुनिया के लोग क्या कहते हैं कि मुझे विष्णु का दर्शन करना है, जो ग्रेटेस्ट अपॉइंटमेंट होगा एक तरह से है उनको मिलने के लिए, वो डिसअपॉइंट हो जाती है गोपिया, तो वो उनका भाव था, इसीलिए गोपिया श्रेष्ठ कही जाती है सभी भक्तों में, राइट। लेकिन उससे भी श्रेष्ठ कौन है, राधा रानी है, क्योंकि जब कृष्णा उसी समय, क्योंकि राधा रानी और भाव में थी तो वो धीरे धीरे आ रही थी, तो जो गोपिया लोग और आगे चले जाती है, तो राधा रानी पीछे से आती है और देखती है कि कौन है, विष्णु है, तो बोलते हैं कि आपने कृष्ण को देखा है। और लेकिन राधा रानी का प्रेम जो था, एक्चुअली क्या हम उसे व्याख्यान नहीं कर सकते, पात्रता नहीं है, लेकिन वहाँ पर जो मैं तोते की तरह बोलने का प्रयास करूँगा कि वहाँ पे जो क्या होता है, राधा रानी के भाव से देख करके जो विष्णु थे अपने दो हैंड को मेंटेन नहीं कर पाते, जो 400 फॉर्म था दो हैंड मेल्ट हो जाता है, वो 200 फॉर्म में आ जाते हैं, मतलब कृष्ण ही थे वो जो प्रिटेंड कर रहे थे विष्णु होने का, तो वो कृष्ण के भी नहीं चलती राधा रानी के सामने, उनके प्रेम के कारण कृष्ण के दो हाथ निकल जाते हैं, और फिर वो आगे की लीला इस प्रकार से चलती है वहाँ पे। और एक समय और भी जान सकते हैं कि जो राधा रानी है गोपियों से श्रेष्ठ कैसे हैं। एक्चुअली जो रासलीला जब सब जगह चल रहा होता है ना, तो राधा रानी देखते रहिए तो कृष्णा सबके साथ है, तो वो छोड़ के खुद से चली जाती हैं, पहले तो उनको देख करके कृष्णा जब देखते तो वो फिर छोड़ते हैं और उनके साथ जाते हैं। तो वहाँ भी हम देख सकते हैं कि पूरी, और ऐसा वर्णन आता है अगर आप चैप्टर के आसपास कभी किसी अच्छे से पढ़ेंगे या कोई पढ़ाएगा आपको, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि वर्णन आता है कि कितनी संख्या दी हुई है, एग्जैक्टली नंबर दिया हुआ है गोपियों की संख्या कितनी थी। और आप सुनिए कि गोपी जो है वो ऑब्वियसली लक्ष्मी माता से, लक्ष्मी जी से भी बड़ी है, किसी और माधुरी रस में किसी भक्त से ऊपर है, क्योंकि लक्ष्मी जी भी क्या करती हैं, प्रवेश प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हैं, अभी भी वो वन है। हम लोग जब जाते हैं वृंदावन तो उस वन में जाते हैं जहाँ पे खिचड़ी बनाती हैं और खाती हैं और रहती हैं, राइट। तो लक्ष्मी जी को भी, जो कि गॉडेस ऑफ फॉर्चून है, हाँ, लेकिन राधा रानी कौन है, सुप्रीम गॉडेस ऑफ फॉर्चून है वो राधा रानी जो है। तो इस प्रकार से गोपियों का जो प्रेम है उससे कोई तुलना नहीं है, बट राधा रानी का जो प्रेम है वो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि क्योंकि हम क्या बोल सकते हैं, उनका प्रेम की कुछ शब्दों के साथ व्याख्या नहीं कर सकते, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। और अगर कुछ हाँ, और एक और जगह है कि जब हम एक्चुअली क्या आता है कि जब हम गोपियों को जो भाव था क्या था, सर्वधर्मान परित्यज्य, जब वो छोड़कर आती है। लेकिन हम जब इस लीला को अगर सही ढंग से नहीं सुनेंगे, भक्तों के माध्यम से अच्छे अर्थ से समझ के नहीं सुनेंगे, तो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज है, हम क्या करते हैं, माया में एकम शरणम व्रज हो जाएंगे, केवल माया को, मतलब हम दूसरी दिशा में जा सकते हैं। इसलिए इसे सावधानी पूर्वक से इस पास्ट टाइम को समझने का प्रयास करना चाहिए। और रूप गोस्वामी एक पद्यावली में ऐसा बताते हैं कि राधा रानी का जो प्रेम है या फिर जो विरह का जो जो है जो इंसिडेंट है वो ज़्यादा, वो बताती हैं राधा रानी कहती हैं कि जो विरह में जो विरह हायर है यूनियन से, मतलब मिलन से जो विच्छेद है ना वो ज़्यादा हायर है। कोई पूछेगा ऐसा कैसे, बोलते हैं कि जब मिलन हो, मतलब मिलन मतलब जो राधा कृष्णा के साथ सामने से पास टाइम होता है तो एक ही जगह कृष्ण देखते हैं, राइट। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे जब राधा रानी कहती हैं कि जब कृष्ण नहीं रहते हैं, जब क्या है सेपरेशन है, तो हर एक चीज़ में उनको कृष्ण दिखते हैं। जब वो पेड़ देखते हैं तो उनको लगता है इस पेड़ के पास कृष्ण कैसे यहाँ पे, वो पास टाइम याद होता है। किसी को भी देखते हैं, गोपी को देखते हैं, गोपा को देखते हैं, तो वहाँ पर सब जगह राधा रानी क्या करती हैं, कृष्ण को देखती हैं। तो इस प्रकार से कहती है कि जो विप्रलम्ब जो सेपरेशन वाला भाव है, विप्रलम्बा जो भाव है वो ज़्यादा हायर है यूनियन वाले भाव से। तो ये यहाँ से भी हम समझ सकते हैं कि उनका भाव जो मेटेरियल दृष्टिकोण से लोग इन्जॉय वाले पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं वैसा नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में आप उसी चीज़ को, आपको आनंद का मिलता है जो कि स्क्रैचिंग द टू बॉडीज है वैसा करके, तो उन्हें लगता है कि वो भाव वहाँ पे है, बट वैसा नहीं है, हमें समझना चाहिए ये चीज़ है, राइट। तो ये जो चीज़ है ये पहले श्लोक में जो है
श्लोक नंबर 10 में मुख्य रूप से बात हो रही है। तो यहाँ पे हमने कैसे क्या स्थापना किया कि विकर्मी से जो अच्छे होते हैं कर्मी से होते हैं, कर्मी से ज्ञानी, ज्ञानी से भक्ता, भक्ता से गोपी और गोपियों से राधारानी होती है। तो इसमें प्रभुपाद जी का क्या कहना है, हमने तो थोड़ा बहुत जो इधर उधर सुना था वो आपको बताया। और एक और लीला से आप समझ सकते हैं कि राधा रानी का जो प्रेम है कृष्णा से अच्छा कैसे है, तो वो लीला है भंवर, भंवर वाला। मैं लास्ट में बताता हूँ, याद दिलाएगा। एक भंवरा आता है काला मधु, मधु करके, मुझे लास्ट में बताऊंगा, याद दिलाएगा। तो यहाँ पे गोपी जो है, गोपी का कैसा है, तो गोपी ओनली नो सेटिस्फाइंग कृष्णा, वो केवल कृष्णा को संतुष्ट करना जानती है बस, उनको और कुछ ऐसा भाव नहीं है। जैसे कि दुनिया में जैसे हम लोग भी भगवान को अप्रोच करते हैं तो क्या सोचते हैं कि वो मेरे पिता है। जब आप क्या होता है, आप किसी को सुपीरियर जब रख रहे हो ना, तो आपको उम्मीद रहता है कि उनसे कुछ मिलेगा। लेकिन गोपियों को भाव ऐसा नहीं था, वो अपने बेटे के रूप में, पति के रूप में, दोस्त के रूप में, इस प्रकार से उनका प्रेम रहता है। तो गोपियां क्या है, ओनली नो सेटिस्फाइंग कृष्णा, वो केवल भगवान को संतुष्ट करने का, संतुष्ट करने का उनका भाव रहता है, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। दूसरा है कि एक हाँ, उसके उल्टा में अगर जो सेवा करती है उन्हें कुछ बोलते हैं ना कि हम लोग कुछ देते हैं तो वापस उधर से भी मिलेगा, तो कुछ भी वैसी उम्मीद नहीं रखते हैं वो लोग। नो एक्सपेक्टेशन, मतलब उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, कोई भी रिटर्न नहीं, नो रिटर्निंग, मतलब नो रिटर्न, वो कुछ भी वापसी में नहीं मांगते हैं। और देखिए जो गोपियों का प्रेम है, जब गोपियों का भाव देखते हैं, राधा रानी का ये भाव देखते हैं, कृष्णा कहते हैं कि मैं आपको, जो आपका प्रेम है मेरे पति, उसके लिए मैं कुछ चुका नहीं, आई कैन नॉट रिपेट, मैं उसको चुका नहीं सकता है। जो हम लोग सोचते हैं कि भगवान आप कितने दयालु हैं, मैं आपने जो कृपा करी है उसको हम कभी भी रिपे नहीं कर सकते, हम इस प्रकार से सोचते हैं। लेकिन गोपियों को कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हारे प्रेम के बदले कुछ नहीं चुका सकता। तो देखिए ये गोपियों का ऐसा भाव है, तो ये संतुष्ट है, नो नथिंग इन रिटर्न, दे जो कुछ भी नहीं चाहिए उनको। और मोस्ट एग्जॉल्टेड ऑफ ऑल डिवोटीज, जैसे हमने देखा कैसे है, मोस्ट एग्जॉल्टेड है। और ये कभी भी कृष्ण को भूल नहीं सकते हैं। आपको पता है ये जब गोपियां, जब कृष्ण चले जाते हैं वृंदावन से, तो गोपियां क्यों जीवित थी, कोई बताइए? कृष्ण आएंगे, अगर उतना ही विच्छेद था तो मर जाना चाहिए था, मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, तो क्यों अपने लाइफ को सैक्रिफाइस करी थी, क्यों जिंदा थे? क्योंकि कृष्ण ने बोला था कि मैं आऊंगा। ओके, एक है कि हाँ मैं आऊंगा, तो नहीं, क्योंकि वो आएंगे और हम यहाँ नहीं रहेंगे, तो कृष्ण को अच्छा ना लगे, इसलिए बिल्कुल बिल्कुल यही भाव। वो सोचती है कि एक्चुअली वो क्या करती थी कि वो सोचती थी कि हम मर जाएंगे, ये कृष्ण के बिना जीवित रहकर क्या फायदा है। लेकिन वो केवल इस भाव, यहाँ पे भाव बहुत इंपॉर्टेंट है, पता नहीं मैं कितना प्रकट कर पाऊंगा, लेकिन यहाँ पे भाव क्या था कि अगर कृष्णा आते हैं और हमें नहीं पाएंगे तो हम जीवित हैं मरने से कुछ फर्क नहीं था उनको, लेकिन हम अगर नहीं रहेंगे तो कृष्ण को बहुत दुख होगा और वो दुख से बचाने के लिए नहीं मरते। तो ये जो भाव है ना, वो मतलब साधारण तो नहीं है, ये हम नहीं सोच सकते, हम सामने के वाले के बारे में सोच रहे हैं, ऑलवेज थिंक अबाउट कृष्णा कि वो कैसे प्रसन्न होंगे, तो ये एक्चुअल प्रेम है वहाँ पे हम देख सकते हैं। तो ये भाव से और नहीं, और इसीलिए हर एक दिन सुबह में जब वो उठती हैं, अपना पूरा अच्छे से सजती हैं धजती हैं, हर एक दिन अच्छे से सजती धजती हैं वो लोग कि शायद कृष्णा आ जाए, और अपना एकदम निगाह लगा के बैठे रहते हैं। जब वो लघु भागवता में तो जब पढ़ते हैं, उद्धव जब आते हैं तो उद्धव को शौक लगता है इनका भाव देख करके। उद्धव क्यों घास बनना चाहते हैं, पिछले क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, यही भाव देख करके, क्योंकि उद्धव सोचते हैं मैं किसका शिष्य हूँ, मेरे से थोड़ा ज्ञान दे के आता हूँ इनको, ऐसा मतलब क्या है, थोड़ा ज्ञान दे के आता हूँ। जब देखते हैं इनके भाव को कि एक काले से भावरा जो होता उसको देख करके राधा नहीं सोचती कृष्ण है, काला है ना कृष्ण है, इस प्रकार से उनका भाव भाव चला जाता है। जो गोपियाँ हैं वो आपस में पूतना का लीला कर रही हैं, जब सुन लिया ना बस वो लोग, मतलब कृष्णा का कोई पाशना सुना तो गिर जाए, तो इस प्रकार के जो चीज़ें देख रहे हैं उद्धव को भी समझ में नहीं आता, बाप रे ये कौन सा प्रेम है इनका भगवान के प्रति। और ऐसा सोच करके वो बोलते हैं कि नहीं मुझे क्या करना है, गोपियों का डस्ट चाहिए, इसलिए शुरू में सोचते हैं कि मैं पेड़ बनूंगा, बोलते नहीं पेड़ बनूंगा तो डस्ट कैसे मिलेगा, फिर लता बनूंगा, नहीं लता बनूंगा तो कैसे मिलेगा, मैं घास बनूंगा, और इसलिए घास बनने के लिए ऐसे ब्रह्मा जी भी ऐसा विरासा करते हैं। तो इस प्रकार से गोपियों का जो प्रेम था वो साधारण प्रेम नहीं था, वो हमारे समझ के बाहर हो सकता। और दूसरा हमें यह समझना चाहिए कि फॉर्म पर नहीं जाना है, क्यों, हमने मित्रासुर का एग्जाम्पल याद रखा कि फॉर्म कुछ भी हो, भाव देखिए भाव क्या है। और आत्मा कभी पुरुष और स्त्री का नहीं होता है। जब राम जी ने हनुमान को जिस प्रकार से आप गले लगाया, तो आपको कोई ऑब्जेक्शन है?
राम ने कृष्ण को, तो भगवान और भक्त एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। जब कृष्ण और गोपियां गले लगा रही है तो आपको ऑब्जेक्शन क्यों है? काम की भावना हम में है, उनमें नहीं थी। फॉर्म पे मत जाइए, उनके भक्ति भाव पे जाइए, ये हमें समझने की जरूरत है। राइट, तो बहुत ही एग्जॉल्टेड डिवोटी है, हम ऐसा देख सकते हैं। और प्रभुपाद जी के पर्पट में क्या आता है इसमें? ये आता है कि विप्रलंबा सेवा मूड ऑफ सेपरेशन। तो हम लोग देखें कैसे गोपियां भगवान के जाने पर भी विप्रलंबा भाव में, विप्रलंबा भाव में आई होप मैं इसको भेज दूंगा, तो अगर नहीं दिख रहा है कुछ लोगों को तो कुछ ऐसा नहीं रहा है ना, अगर नहीं दिख रहा है तो भेज। माता जी ने पूछा कि तीर्थ जगह सब के थे रासलीला के टाइम पे ऐसा? मैंने जहाँ तक पढ़ा है, अगर गोवर्धन लीला के समय कृष्ण कब कितने उम्र के थे, उसके अगले साल में होता है, यहाँ तक मुझे पता है कि 8 वर्ष के थे। बट अगर आप भागवतम से बोल रहे हैं तो हो सकता है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। उसके ऊपर ज़्यादा मैंने भी रिसर्च नहीं किया, तो हम लोग बाद में उसको मैं अगर रहेगा तो आंसर कर दूँगा मैं वापस देख करके। बट मेरे अनुसार 8 वर्ष के थे अभी तक। मैं अपने आप को अपडेट कर लूँगा, आपके बताए भी अगर वैसा होगा। तो क्या है यहाँ पर विप्रलंबा भाव के बारे में, गोपी जो है विप्रलंबा भाव में सेवा करती है और मूड ऑफ चैतन्य। इसलिए क्या बोलते हैं कि रूप रघुनाथपति जो लॉर्ड चैतन्य का भाव कैसा था, जब कृष्ण आखिर, देखिए यहाँ पे भी लॉर्ड चैतन्य का अगला जो पॉइंट है कि मूड ऑफ लॉर्ड चैतन्य, गोपीज का भाव कैसा था, इसमें आगे आएगा मूड ऑफ लॉर्ड चैतन्य। मूड ऑफ क्या है? लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, मैं आपको नोट्स भेज दूंगा ये वाला ब्लॉग डायग्राम, तो अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप समझ लीजिए कि मूड ऑफ लॉर्ड चैतन्य का मतलब क्या है वहाँ पे, कि कृष्ण आखिर क्यों सोचते हैं कि मैं बनूंगा चैतन्य बनकर, मुझे भक्त बनकर के देखना है। वही जो भौरे वाली जो लीला आती है ना, कि जब क्या होता है कृष्ण सामने बैठे रहते हैं राधा रानी के सामने बैठे होते हैं और भंवर आता है और उसे मधु, उसका नाम क्या था, मधु, और भूम भूम कर रहता है। कृष्णा बोलते हैं गोपो को, इसको आप भगाओ यहाँ से, तो क्या कहते हैं वो लोग, भगा देते हैं और क्या कहते हैं, मधु चला गया। क्या बोलते मधु ये क्यों बोलते हैं ना, तो राधे कृष्ण कहा गया, कृष्ण कहा गया, कृष्ण बैठे हैं वहां पे, लेकिन जब उनके गोपालकों ने कहा मधु चला गया, तो मधु कृष्ण का भी नाम है एक तरह से, वो तो वो कृष्ण कहा गया, राधे ने कहा, कृष्ण कहते मैं यहाँ हूँ, लेकिन राधा रानी भाव में चली जाती है, कृष्ण कहा गया, कृष्ण कहा गया, कृष्ण चला गया ना, ऐसे करके बोलते हैं उनके गोप लोग। ये बिल्कुल नहीं उस भाव में आ जाती, बोले माय लॉर्ड ये क्या है, ये कैसा प्रेम है। तो इसीलिए वो क्या कहते हैं लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु कि मुझे भी, इसीलिए उनका बाह्य आवरण धर करके राधा कृष्ण, श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण ना ही अन्य, तो राधा कृष्ण कंबाइंड फॉर्म में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं और उसे देखते हैं कि आखिर वो क्या भाव है और उसको आस्वादन करने के लिए वो आते हैं। तो ये देख करके, तो वो जो गोपियाँ रहती हैं वो लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु के रूप मूड में है, और महाप्रभु का मूड वो क्या है, तो वो भी गोपियों के भाव, क्योंकि वो कभी राधा रानी का फॉर्म चैतन्य महाप्रभु कृष्ण राधा दोनों हैं, तो उस प्रकार से यहाँ पे हम देख सकते हैं। और लास्ट का पॉइंट बताते हैं कि बेटर देन सर्विंग डायरेक्टली, इसके बाद श्रीमद राधा रानी इनके ऊपर आते हैं, तो हमने इनके बारे में भी जो चर्चा करना था कर लिया। तो इसमें क्या हमने देखा कि ये हाइएस्ट ऑफ ऑल गोपी है, हमने देखा कैसे हाइएस्ट है, तो कृष्णा जब राधा रानी जब रसदान छोड़कर चली जाती है तो कृष्ण क्या करते हैं, खुद से भी चले जाते हैं रसदान छोड़ करके, और कैसे जो 400 फॉर्म था वो मेल्ट हो जाता है उनका, और ये जो भंवर का जो लीला है ये उसी में हम समझ सकते हैं कि हाइएस्ट है राधा रानी सभी गोपियों में, कैन नॉट बी एक्सेल कोई भी इनके। इसलिए क्या हो कि जिसे काम बोलते हैं ना, काम, तो काम जो कामदेव को हराने वाले कौन है, कृष्ण का एक नाम क्या है, मदन मोहन। क्यों? क्योंकि क्यूपिड को भी, कामदेव को भी हरा सकते हैं, मदन क्यूपिड और मोहन उसको मोह सकते हैं, लेकिन राधा रानी का नाम क्या है, मदन मोहन मोहिनी, वो उनको भी हरने वाली है। तो इसलिए उनको क्या है, कैन नॉट बी एक्सीड, कोई इनसे ऊपर नहीं जा सकता है, कोई इनके भक्ति को एक्सीड नहीं कर सकता है। और क्या कहते हैं, कृष्णा खुद से, कृष्णा कैन नॉट अंडरस्टैंड, कृष्णा खुद से हम समझ नहीं सकते राधा रानी का प्रेम क्या है, श्रीमती राधा रानी का प्रेम क्या है, वो कृष्णा खुद से भी नहीं समझ सकते कि राधा रानी का प्रेम क्या है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि इसीलिए वो क्या करते हैं, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, और फिर लास्ट में बताते हैं कि राधा रानी को राधा कुंड जो है सबसे प्रिय है, कृष्ण को राधा कुंड सबसे प्रिय है कृष्ण को, क्यों, क्योंकि वो लिक्विड प्रेम है राधा रानी का, और बहुत सी लीलाएं जो रहती हैं इंटीमेट पास में वहाँ पे होते हैं, और इसलिए राधा कुंड
श्रेष्ठ क्यों है, क्योंकि वहाँ पे राधा रानी का पहला चीज क्या है, राधा रानी का लेख है, राधा रानी का जो प्रेम है वो सभी से ऊपर है, इसलिए है। और मोस्ट एग्जॉल्टेड प्लेस, और लघु भगवतामृत में भी इसकी व्याख्या आती है कि ये जो क्या है मोस्ट एग्जॉल्टेड प्लेस है, सबसे ज़्यादा सर्वोपरि प्लेस है। और यहाँ बताया जाता है कि जो सीरियस डिवोटी हैं वो इस जगह पे जरूर इनके राधा कुंड का क्या शरण लेना चाहिए, सीरियस डिवोटी भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं वो राधा कुंड का, सीरियस जो डिवोटी है वो राधा कुंड का शरण लेना चाहिए। तो ये जो पहला आज 10 का नंबर श्लोक था उसमें इसके ऊपर हम चर्चा हो रही है मुख्य रूप से कि कैसे सीरियस डिवोटी को उनका शरण लेना चाहिए। तो ये 10 नंबर श्लोक समाप्त होता है, राइट। तो किस प्रकार से प्रोग्रेस हम देख रहे हैं, प्रोग्रेशन इन भक्ति, कैसे राधा रानी के निकल जो भक्ति है कैसे श्रेष्ठ है, तो इसके ऊपर इतना ही चर्चा कर पाएंगे, ठीक है। आने वाले अगले 15-20 मिनट हम लोग 11 कर लेंगे और फिर आज लोग विराम दे देंगे। तो 11th का पहले मीनिंग एक बार पढ़ लेते हैं। इसका क्या मीनिंग है कि अनेक आमोद की वस्तुओं तथा ब्रज भूमि की समस्त प्रेयसी बालाओं में से श्रीमती राधा रानी निश्चय ही कृष्ण प्रेम की सर्वाधिक अमूल्य निधि हैं। हर प्रकार से उनका दिव्य कुंड मुनियों द्वारा कृष्ण को उतना ही प्रिय वर्णित किया गया है जितना हम राधा रानी को, इसको अगर आपको लव अफेक्शन है उतना ही लव अफेक्शन आपको किसके प्रति होना चाहिए, राधा कुंड के प्रति होना चाहिए। निसंदेह राधा कुंड महान भक्तों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। हम लोग सोचते हैं कि एक बार वहाँ जाकर के, ये प्रभुपाद जी पर्वत में लिखते हैं नारद सनक सनातन उनको भी क्या होता है राधा कुंड में दुर्लभ, उन जैसे भक्तों को भी वो राधा कुंड का स्थान पाना दुर्लभ है। अतएव समान भक्तों के लिए इसे प्राप्त कर पाना तो और भी कठिन है। यदि कोई इसके पवित्र जल में केवल एक बार स्नान कर ले तो उसमें कृष्ण के लिए शुद्ध प्रेम पूर्णतः प्रकट हो जाता है। एक बार भी अगर हम स्नान कर लें तो पूर्णतः कृष्ण के प्रति प्रेम प्रकट हो जाता है, ऐसा प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं, बता रहे हैं। हाँ, राधा कुंड में, राधा कुंड में, ठीक है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं कि एक्चुअली श्लोक को अगर हम टाइटल देना चाहेंगे तो क्या देंगे, सर्विंग राधा कुंड। तो हमें ये समझना चाहिए कि 11th श्लोक जो है 11 में ये क्या है, सर्विंग राधा कुंड। तो हमें ध्यान देना चाहिए कि जब राधा कुंड हम जाते हैं तो साइट सीइंग के लिए नहीं जाना चाहिए, जैसे कि दूसरे कोई तीर्थ यात्रा पे, मतलब लोग बाह्य दृष्टिकोण से जब लोग जाते हैं तो क्या सुंदर जगह है, कितना अच्छा बनावट है, बहुत ही पुराना है, लोग इसकी भी तारीफ करते हैं, लेकिन उस दृष्टिकोण से हमें नहीं जाना चाहिए। सेवा भाव में राधा कुंड पे जाएंगे तो ही आपको उसको कुछ लाभ हो पाएगा, नहीं तो जाना क्या है, बकवास है। इसको आगे चल के भक्ति सिद्धांत चक्र क्या कहते हैं उसको हम लोग देखेंगे, पर थोड़ा सा यहाँ देख लें कि सर्विस एटीट्यूड इज मोर इम्पॉर्टेंट गोइंग टू होली धाम, नॉट फॉर साइट सीइंग। हमें वहाँ पे केवल दर्शन साइट सीइंग जैसे होता है कि आप जाते हैं देखने के लिए, उसी दृष्टिकोण से नहीं जाना चाहिए, लेकिन क्या करना चाहिए, सेवा भाव से जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप धाम में कुछ देखना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका सेवा करना पड़ेगा। सेवा करने से क्या होगा, आपका हृदय शुद्ध होगा और उस भाव शुद्ध होने के बाद ही आप देख पाते हो, नहीं तो क्या होगा, हमें भी क्या दिखेगा, वो राधा कुंड का पानी गंदा दिखेगा, फिर आपको वहाँ पे कुत्ते दिखेंगे, सुअर दिखेंगे, बोले क्या सफाई हो, वेयर इज द क्लीननेस। अगर कोई बाहर दृष्टिकोण से अगर भक्ति भाव नहीं जमा है तो ऐसे करेंगे देखेंगे, लेकिन जब आप वो आप भक्ति में अपने आप को सेवा के भाव से, सेवा माध्यम से अगर अपने को क्लीन कर लोगे तो हमें उस प्रकार से देख पाएंगे, क्योंकि वो जो पवित्रता है कम नहीं होती है उस जगह की, उस जगह की बाह्य एक्सटर्नल फॉर्म से। इसलिए बताते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु जाते हैं तो वहाँ पर कृष्ण दिखते हैं उनको, जब जानवा माता जाती है तो उनको भी दिखते हैं, अलग लीलाएँ, राइट। लेकिन हम जाते हैं तो नहीं देखते क्योंकि हमारा शुद्धिकरण उस प्रकार से नहीं हुआ है। अगर हम भी सेवा भाव करें अच्छी प्रकार से रह करके, जैसे बताया गया पीछे के श्लोकों में, हमें भी भगवान का दर्शन हो सकता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में हम देख सकते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में एक पौराणिक श्लोक कोट हुआ है, वो श्लोक क्या है कि अतः श्री कृष्ण नाम आदि, श्लोक याद है, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह्य इंद्रिया। तो बताते हैं कि अपने बाह्य इंद्रियों के माध्यम से कृष्ण को या इस चीज़ को हम नहीं पकड़ सकते हैं, इंद्रियों के माध्यम से, मतलब क्या है, आँख के द्वारा हम नहीं देख सकते धाम को, आँख के द्वारा भगवान को नहीं देख सकते डायरेक्टली, इस मटेरियल आँख से कुछ मटेरियल चीज़ें ही देख सकते हो। अगर आपको फायर में घुसना है तो फायरी बॉडी चाहिए, राइट। अब जो पानी में रहता है, आप पानी में कितना दिन रह सकते हो, सौभरी मुनि तो हो नहीं कि हज़ार हज़ार साल रह सकते हो, हम तो मर जाएंगे ना,
लेकिन मछली अपना आराम से बिना कुछ प्रॉब्लम के रहती है, क्योंकि उसका बॉडी वाटरी है, पानी जैसा है, पानी में रहने लायक है। उसी प्रकार से अगर हम शुद्ध चीज़ को देखना चाहते हैं तो हमें भी उस शुद्ध अवस्था को प्राप्त करना होगा, ऐसा चीज़ है। तो इसीलिए क्या करना होगा कि हम इस बाह्य दृष्टिकोण से धाम को नहीं देख सकते हैं। अगला लाइन में क्या बोलते हैं कि सेवानुमुखो ही जिह्वा दो। जब आप सेवा करते हैं उसके देखोगे तो स्वयं एवं स्फूर्ति अदा, अगर आप उस भाव से देखोगे तो आप भगवान को शायद समझ पाओगे और देख पाओगे। इंद्रियों के माध्यम से हम नहीं ग्रहण कर सकते भगवान को। कुछ लोग सोच सकते हैं कि हम जाकर राधा कुंड में निवास करेंगे, हम एडवांस हो जाएंगे। नॉट पॉसिबल। जस्ट बाई स्टेइंग देयर विल नॉट मेक यू एडवांस। जस्ट वहाँ जाकर रुकना आपको एडवांस नहीं बताएगा। भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं कि जो लोग राधा कुंड पर जाते हैं और ऐसा सोचते हैं कि राधा कुंड पर मैं रहूँगा और अगर गलत कार्य करते हैं तो उनके लिए राधा कुंड नरक कुंड के बराबर होता है। जो राधा कुंड है किसी को स्पिरिचुअल बहुत, उसका जो पोटेंसी बहुत है, उसमें एग्जैक्टली एक वर्ड आता है कि ट्रिमेंडस पोटेंसी है, बट आपको ट्रिमेंडस प्यूरिफाइड भी होना चाहिए उसको प्राप्त करने के लिए। लेकिन आप वहाँ पे जाते हो, भक्त के बेस में कोई जाता है और जाकर के यहाँ पे क्या करता है, थर्ड क्लास एक्टिविटी करता है, तो उसको बहुत ही ऐसा बोलते हैं ना कि अगर कोई साधारण व्यक्ति साधारण जगह पे कोई पाप करे, नहीं करना चाहिए, अगर सिन करते हैं तो उसका ठीक है, कुछ परिणाम मिलता है। लेकिन अगर व्यक्ति साधु का ड्रेस पहना है या फिर भक्ति ऐसे कर करके जा करके वैसे पवित्र स्थान पर जा करके अगर सिन करता है तो उसका लाखों गुना फिर उसका परिणाम भी होता है। तो इसलिए वैसे लोगों के लिए जो राधा कुंड है, राधा कुंड नहीं रह जाता, वो नरक कुंड के बराबर हो जाता है। तो इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से जाकर के वहाँ पर रिसाइट नहीं करना चाहिए। सिंफुल एक्टिविटी धाम में तो बिल्कुल ही केयरफुल रहना चाहिए, खासकर वृंदावन जैसी जगह होते हैं, राइट। तो ये आचार्य लोग बताते हैं, क्योंकि ऐसे लोग सोचते हैं कि जो राधा कुंड है, जो वहाँ के आसपास का एरिया, वो क्या है, रासलीला का जगह है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि रासलीला नहीं है, ताकि कैसे वो मना करते हैं कि कभी भी अपने भक्त लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये चीज़ है। उसके बाद हाँ, कुछ लोग सोच सकते प्रभु जी, और एक बार लिखा था बुक में कि एक बार नहाएंगे तो भगवान का प्रेम उत्पन्न हो जाए, तो हम तो एक बार नहाए हैं। पहले नहाने से पहले कुछ लोग, तो यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि प्रभुपाद जी ने मना किया है, एक जगह प्रभुपाद जी ने लेक्चर में मना किया है कि हमें राधा कुंड में नहीं जाना चाहिए, तो थोड़ा सा इसको समझना है। एक्चुअली क्या है, प्रभुपाद जी ने अलग अलग फॉर्म में लेक्चर्स दिए हैं, लेटर के फॉर्म में लोगों को इंस्ट्रक्ट किया है ना, फिर से कन्वर्सेशन के रूप में दिए हैं, रूम में जब कुछ एक विशेष प्रकार के भक्त होते थे, मतलब विशेष कैटेगरी के, तो उनको इंस्ट्रक्ट किया है, और फिर लिखने के लेक्चर के माध्यम से दिया है। कन्वर्सेशन एक हो गया, लेक्चर भी हो गया, लेकिन पर्पस जो है यूनिवर्सल है, मतलब यूनिवर्सल इन द सेंस वो सभी के लिए बोला है, सभी जनसाधारण को ध्यान में रख के बोला है। तो हुआ क्या था कि जब विदेशी लोग आते हैं तो राधा कुंड में वो स्विमिंग सीख रहे थे, पानी को ऐसे से फेंक करके जैसे गंगा में, मतलब ऐसे खेलना नहीं चाहिए, तो वहाँ पे क्या हो रहा था कि वो लिक्विड फॉर्म में राधा रानी है, वो भाव से अगर आप जाओगे तो ही आपको लाभान्वित हो पाओगे, आप मस्ती के रूप में जा रहे हो तो नहीं। तो प्रभुपाद जी ने ये देखा और प्रभुपाद जी ने बोला कि आपको राधा कुंड में नहीं नहाना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था। फिर क्यों प्रभुपाद जी अलग जगह पर बार बार लिखते हैं कि आपको अगर मौका मिले तो बार बार जाओ और बार बार नहाओ, ऐसा प्रभुपाद जी लिखते हैं, और वो गलत नहीं है, इसको समझना चाहिए। केवल इतना है कि आपको किस भावना से, आप इंजॉयमेंट मूड में खेलने के लिए नहा रहे हो कि आप ये सोच रहे हो कि मुझे राधा का प्रेम है और उसमें मैं कृपा प्राप्त कर रहा हूँ, इस भाव से कर रहे हो, राइट। तो क्योंकि ये जो कन्वर्सेशन है, जो एक लेक्चर में बोल दिया, तो वो एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए था, हम उसे यूनिवर्सल नहीं बना सकते। लेकिन इसी में प्रभुपाद जी खुद से ट्रांसलेट किया, प्रभुपाद जी खुद से लिख रहे हैं कि बार बार हम नहा सकते हैं वहाँ पे, उसमें कोई भी नहीं है, अगर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट चाहते हैं तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना चाहिए कि प्रभुपाद जी चाहते हैं लेकिन भाव सही होना चाहिए, खेलने के लिए और तैरने के लिए वो जगह नहीं है, राइट। ये भाव से अगर नहाते तो कुछ गलत नहीं है, एक कॉन्ट्रोवर्सियल टॉपिक है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं राधा कुंड में नहीं नहाना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, उसे इस भाव में है। और मैं भी प्रभुपाद जी के आप अगर परपट पढ़ेंगे तो उधर से ही बोल रहा हूँ, कुछ अलग से नहीं बोल रहा हूँ, इसको हम समझ सकते हैं। दूसरा है कि इसको कैसे समझें कि एक बार नहा लेंगे तो पार पा जाएंगे, तो ये भी समझना है कि हाँ एक बार नहाने से वो होगा, लेकिन उसको मैपिंग इस प्रकार से हमें नहीं करना चाहिए कि हाँ एक बार नहाने से है ना, तो उसके लिए और भी सरकमस्टांस भी जो है, क्या बाह्य परिस्थिति उस पर भी निर्भर करता है। मान लीजिए कि ऐसा कि नियम कानून है, उदाहरण ले लीजिए कि अगर किसी को क्या करिए आप, कानून है, अगर किसी ने आपको, आपने किसी को मार दिया, ए ने बी को जान से मार दिया, तो वो क्या होगा, फांसी, सजाए मौत होगी ना, ये नियम है ना। लेकिन केवल इसी पर रहता है क्या, एक जो आर्मी वाला प्रवचन है किसी को मार रहा है, मर्डर, कौन सा पुरस्कार मिलता है, अगर इंडियन पाकिस्तानी को बार में मारता है तो मेडल मिलता है ना, मारने का काम तो सेम है। आप क्या करते हो, किसी का रेप कर रहे हो और उस व्यक्ति ने मार दिया,
ए बी का रेप कर रहा है और बी ने उस अवस्था में आपको जान से मार दिया, तो उसको वही पनिशमेंट मिलेगा नहीं ना? तो सब में लेबल है। उसी प्रकार से यहाँ बात किया जा रहा है कि राधा कुंड में अगर एक बार आप नहा लेते हो तो आपको कृष्ण का सूत्र प्राप्त हो जाएगा, तो सही है, लेकिन सर्कमस्टांसेस है, आपकी चेतना कैसी है, बहुत सी चीज़ें उसका मैटर करती है। ऑब्वियसली आप अगर उस भाव से अगर नहाओगे तो जरूर कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, उसमें कोई संदेह नहीं है, कोई शक नहीं करना चाहिए, बट सर्कमस्टांसेस उसको इस प्रकार से मैप मत कीजिए कि मैं नहा लिया, क्योंकि डिमांडिंग मोड में जाओगे, आई टुक बाथ, मैंने नहा लिया, कृष्ण प्रेम किधर है, मेरे चार हाथ नहीं है, मैं वैकुंठ की तरफ नहीं जा रहा हूँ, गरुड़ प्रेम किधर है, आया नहीं अभी तक, इस प्रकार से डिमांड नहीं कर सकते आप, डिमांड मत कीजिए। अगर डिमांड भाव से जाएंगे तो भगवान आपको नहीं मिलेंगे, बेगिंग भाव से हमें जाना पड़ेगा कि मेरी पात्रता नहीं है, बट भगवान मेरे गुरु के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से मैं यहाँ पे आया हूँ। कभी कभी लोग सोचते हैं, दूसरे लोग जिनको पता नहीं होता कि हम धाम वृंदावन जा रहे प्रभु जी, हाँ कुछ बोलिएगा, अरे भैया वृंदावन जा रहे हैं, आपको पहले गुरु चाहे वरिष्ठ भक्त के साथ जाना चाहिए, अकेले जाके आप वहाँ पे क्या देखेंगे, अपने चर्म चक्षु से चर्म ही देखेंगे, चर्म ही वो देखेंगे ना, इसलिए अष्टभक्त मुनि बोलते हैं ना वहाँ पे जनक के सभा में, सब चमार है, क्यों, क्योंकि चाम को देख रहे हैं वो, ऐसा नहीं चल पा रहे थे ना, तो बाह्य दृष्टिकोण हम लोग भी इसको उस समय चर्चा किए थे, तो इसलिए धाम को भी हम इस चर्म चक्षु से नहीं देख सकते हैं। प्रेमांजन चरित भक्त भी लोचने ना संतोष देव ही देव से ब्रह्मा जी भी ब्रह्म संहिता बताते हैं कि हम प्रेम के अंजन लगा करके ही भगवान को एक्चुअली देख सकते हैं और समझ सकते हैं, इस चीज़ को हम जानना चाहिए। तो इसलिए राधा कुंड और राधा का जो प्रेम है कृष्ण के प्रति, उसमें और भी कुछ चर्चा करी जा सकती है, लेकिन इसके बारे में और क्या बोल सकते हैं, मुझे तो नहीं लगता कि और कुछ बोल पाएंगे, क्योंकि जो पर कृष्णा ये समझना चाहिए कि जो राधा रानी का प्रेम है वो परफेक्शन है, और वो जैसे कि हमारा कंसेप्शन जो रह सकता है परफेक्शन का कुछ और है, फ्रोजन परफेक्शन, बट वैसा नहीं है, हम उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि उसमें कुछ है नहीं। तो कृष्ण राधा रानी का जो प्रेम है वो सर्वश्रेष्ठ है, और राधा रानी को जो कुंड है वो राधा रानी के से रिलेटेड इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। इस प्रकार से यही है कि हमें लोग को अगर मौका मिले तो राधा कुंड पे जा करके जरूर हमें उनका शरण लेना चाहिए भक्तों के संग में। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे विराम देते हैं, एक छोटा सा सॉन्ग के द्वारा आज समापन करेंगे, ठीक है। ऐसे बहुत से सॉन्ग हैं कौन से गा सकते हैं, लेकिन ललिता विशाखा आदि वाला जो सॉन्ग आता है लास्ट में कि उनके अंदर रह करके भगवान की सेवा करेंगे, तो वो वाला सॉन्ग आते हैं राधा कृष्णा प्राण मोरे जुगल कुसुर, ये सॉन्ग गाएंगे, आप लोग मोबाइल में निकाल सकते हैं। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, राधा कृष्ण किशोर, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, राधा कृष्ण प्राण मोरा जीवन मराने गति यार नहीं मोरा, जीवन मराने गति यार नहीं जीवन मराने गति यार नहीं मो, जीवन मराने गति यार नहीं मो, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगला किशोर, कालिंदी रे कूले केली कदम्बे रमना, कालिंदी रे कूले केली कदम्बे रमना, रतन बेदीरा
कृष्णा प्राण पूरा श्याम गौरी अंगे दिव चंदन रंग श्याम गौरी राधा कृष्ण प्राण पूरा कला किशोर राधा कृष्ण प्राण पूरा कला राधा कृष्ण प्राण पूरा कला ललिता विशाखारी जत सखी बिंदा ललिता विशाखारी जत सखी आज्ञा करीब सेवा चरण अरविंद राधा कृष्ण प्राण मोरा कला किशोर राधा कृष्ण प्राण मोरा कला किशोर तो इस प्रकार से ललिता विशाखा आदि जत सखी वृंदा अज्ञाय करीब सेवा चरण रविंदा। तो हमें ललिता विशाखा सभी सभी का अनुसरण करते हुए रूप गोस्वामी भी पहले जगह बताते हैं, प्रभुपाद जी भी लिखते हैं, रूप रघुनाथ पदे कोई भी अकृति तबे हमें बुझे बुझे जुगल प्रीति। तो जुगल प्रीति जो है राधा कृष्ण का जो प्रेम है, राधा रानी का जो उच्च स्थान है, उसे समझना बाह्य दृष्टिकोण से भी इतनी आसान बात नहीं है। तो जो भी प्रभुपाद जी हम प्रोसेस में है, भक्ति में है, क्योंकि प्रभुपाद जी परपट में लिखते हैं, हमने ये मतलब अच्छा इसके ऊपर वो नहीं
जो डिस्क्रिप्शन पे नहीं किया नहीं चार्ट का समय कितना है 20 हुआ है तो उसको करना है क्या कि ऐसे ही चार्ट भेज देंगे तो शायद समझ में आ जाएगा क्योंकि वहाँ पे तीन चार चीज़ों की सर्विंग राधा कुंड में तीन चार चीज़ों की बात होगी। पहली होगी वाई राधा कुंड, क्योंकि राधा कुंड में पहला पॉइंट इसलिए क्योंकि वो राधा रानी को बिलोंग करता है। जब आप चार्ट खोलेंगे तो आपको ये जो मैं चीज़ बता रहा हूँ समझ में आ जाएगा। हम ऐसे ही देख लेते हैं कि पहला चीज़ क्या है, वाई बिकॉज इट बिलोंग्स टू राधा रानी और क्योंकि वो सबसे बिलवेड गोपी है कृष्ण के लिए, इसीलिए राधा कुंड सर्वश्रेष्ठ है। जिस प्रकार से राधा कुंड क्यों, क्योंकि जिस प्रकार से कृष्णा को प्रिय है वो राधा को भी उस प्रकार से ही प्रिय है और राधा कुंड के बहुत से अनेक ग्लोरी हैं। इसीलिए रघुनाथ दास गोस्वामी भी जो हैं कहाँ जाकर अपना निवास करते हैं, जब चैतन्य महाप्रभु लेस समाप्त करते हैं तो राधा कुंड पे ही जाकर के हम लोग जब जाते हैं उनके समाधि भी वहाँ बनी है, हमेशा कीर्तन होते रहता है तो वहाँ पर करते हैं। रेयरली अटेंड, हर एक कोई को ये नहीं प्राप्त हो सकता है। तो ये है कौन कर सकता है राधा कुंड की सेवा, तो वो है भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं दोज इंटरेस्टेड इन एडवांस डिवोशनल सर्विस, वही केवल कर सकते हैं। वो मंजरी की बात करते हैं कि वो लोग वहाँ पे कर सकते हैं जैसे रूप रघुनाथ ये सब मंजरी हैं। अगर पहले दिन जो अगर देखेंगे रूप मंजर हैं, उसी प्रकार से अलग अलग मंजरी हैं, वही वहाँ पे सेवा कर सकते हैं हम देख सकते हैं। उसके बाद दोज अंडर प्रोटेक्शन ऑफ लॉर्ड चैतन्य, कौन कर सकते हैं राधा कुंड की सेवा जो भगवान चैतन्य महाप्रभु के अंडर में रहकर सेवा कर रहे हैं, वही, अन्यथा क्या होगा वो दूसरे गलत इसे परसीव करेंगे और फिर भटक सकते हैं रास्ते से। दोस्तों ईगर टू गो बैक टू गॉड हेड, जो क्या है भगवान को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं सेवा के रूप में उनको कर सकते हैं। और दूसरी तरफ भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं कि नॉट जस्ट ऑर्डिनरी डिवोटी, साधारण जब हम सोचते हैं ना कि अभी हमें नाम अपराध नाम अभास शुद्ध नाम की जो चर्चा उस दिन में गलती से भूल गए थे करने के लिए, लेकिन उस अवस्था के जब हम सीरियस नहीं हैं तो हम कभी भी उस अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने कमेंट्री में लिखते हैं, यहाँ तक लिखते हैं कि नारद और सनक जैसे लोग भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। फिर सोचिए ऐसा यहाँ पे रूपा जी प्रपट में लिखते हैं, तो फिर साधारण भक्तों की क्या चाहते हैं, ओनली द ग्रेटली फॉर्चुनेट पीपल ओनली, जो बहुत ही ज़्यादा सौभाग्य प्राप्त है वही कर सकते हैं। हाउ, तो बोलते हैं कि बेदिंग, कैसे प्राप्त कर सकते हैं आप सेवा कैसे कर सकते हैं, तो वहाँ पर स्नान करके, लेकिन वो भी कैसे एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल, प्रभुपाद जी के परपट में है, ये मेरा नहीं है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जितनी बार पॉसिबल हो वहाँ कर सकते हैं ऐसा। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवोशनल सर्विस, ये सबसे अच्छा एक सेवा हो सकता है अगर आप जाते हो, लेकिन भाव बहुत इंपॉर्टेंट है वो जो आप स्नान करते हैं या फिर वहाँ पर रह करके वहाँ पर रिसाइडिंग सर्व अंडर सर्विंग मेट्स, तो वहाँ पर अभी जो हमने सुना कि गोपियों के अंदर रह करके जैसे हम सेवा करते हैं उसी प्रकार से वहाँ पर रह करके हम सेवा कर सकते हैं। इन लविंग सर्विस ऑफ द लॉर्ड, भगवान की सेवा कर सकते हैं, गिविंग ऑफ मटेरियल कंसेप्शन, और ये जो बाह्य दृष्टिकोण से देखते हैं कि ये पुरुष है स्त्री है राधा कृष्ण गोपी का प्रेम जो है वो उस दृष्टिकोण से आप नहीं देख सकते हैं। और इसका रिजल्ट क्या होगा, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं इसका रिजल्ट क्या होगा, प्योर लव ऑफ कृष्णा इन वेक ऑफ गोपीज, तो आप गोपियों को देख सकते हैं या फिर जो आपका स्वभाव है स्वरूप है उसको प्राप्त कर सकते हैं अगर इस प्रकार के कार्य करेंगे तो, भाई एक बार नहाने से वहाँ पे, तो उसके लिए भी हमने चर्चा किया। रिटर्न टू गॉडहेड टू राधा अंडर गोपी सुपरविजन, तो हम लोग राधा रानी के सेवा के उस जो मंडली है वहाँ हम उस सेवा को प्राप्त कर सकते हैं। गोप राधा रानी हम जानते हैं कि अष्ट, जैसे राधा रानी है उसमें अष्ट सखी हैं अष्ट मंजरी हैं, तो जो मंजरी है वही रूप है, जो छः गोस्वामी हैं और कुछ लोग वही मंजरी हैं, तो उनके सुपरविजन में हम लोग भगवान की सेवा में लग सकते हैं अगर कोई अपने आप को परफेक्ट कर पाता है। तो यहीं के साथ हम लोग नेक्टर डिस्ट्रक्शन का जो जर्नी था यहाँ पे समाप्त होती है, तो ये जर्नी बुक के रूप में यहाँ समाप्त होती है। और जिस प्रकार से हम सेंस कंट्रोल से लेकर राधा कुंड तक आए हैं तो एक लंबी जर्नी है, एक लाइफ भी कम पड़ सकता है, मैं अपने लिए सोच के बता रहा हूँ। तो हमें जीवन भर इस रूप गोस्वामी की जो शिक्षाएं हैं उसे सीरियसली पालन करने का प्रयास करना है अच्छे भक्तों के संग में रह करके। तो इस दौरान अगर मैंने कुछ गलत या कहीं ऊपर नीचे कोट कर दिया हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, क्षमा करें। आप सभी के लोग आशीर्वाद दे सकते हैं कि हमें भी भगवान के कीर्तन में और स्मरण में ये जो है क्या हो रुचि प्राप्त हो, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो लीला है उस लीला से ये बताना चाहते हैं कि जब वो जो भौरा आता है और जब राधा रानी के सामने कृष्ण होते हैं, लेकिन कृष्ण राधा रानी क्या सुनती है, मधु, तो सुनते हैं कृष्ण चले गए, तो नाम की महिमा को वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु दर्शाते हैं कि कैसे नाम जो है वो प्रेजेंट कृष्णा है, लेकिन जैसे ही नाम सुनते हैं तो सुनते हैं कृष्णा चले गए मधु चले गए। तो इस प्रकार से नाम की महिमा ये जो है हम लोग कम से कम उसको अगर परसीव कर पाते हैं तो वो क्या करेगा, खुद से अपना काम करेगा और हम भगवान को वास्तविक रूप में समझ पाएंगे, तो उस पर ध्यान देना चाहिए।
यही शब्दों के साथ हम विराम देते हैं, कुछ त्रुटि हो तो क्षमा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय, रूप गोस्वामी की जय, शिव उपदेशामृत ग्रंथ की जय। हरे कृष्ण।